दुल्हन तो भाग गई, कहीं और सेटिंग होगी। दूल्हा फूकेगा चूल्हा, लगता है दूल्हा दुल्हन को पकड़ने गया। अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की। एक के पीछे दो दो दूल्हे, लगता है डुअल सिम एक्टिव हो गया। अरे भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे भी बताओ। दुल्हन को पकड़ने। एक अंगूर साल अंगूर। अबे गटरा चाप दारू पी। गटरा चाप में जो मजा है अंग्रेजी में का। बस हाँ जल्दी बोल क्या हुआ। जैसा आपने कहा था ना, 8 दूल्हे किडनैप किए, लेकिन दुल्हन सिर्फ एक ही हाथ लगी। अरे इतना ही काफी है, तुमने मेरी मूंछों की लाज रख ली शर। जानता है सामूहिक विवाह समारोह में जब मिनिस्टर पहुंचेगा और जोड़ों की गिनती करेगा तो वहां से कई दूल्हे तो गायब होंगे और साथ में एक दुल्हन भी। सही है। अरे जब पठानी सिलने वाला दर्जी MLA बन सकता है तो मुझ जैसा चिंदी चोर मंदिर से चप्पल चुराने वाला मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता। कहा गया बुड्ढा, ओए मिनिस्टर की औलाद। अरे इसका एक पैर कब्र में, दूसरा केले के छिलके में, जरा सी भी छींक आए तो परलोक निकल लेगा। जिंदगी भर मैं इसकी चमचागिरी करता रहा और ये उस MLA को मिनिस्टर बना रहा है। हे, अगर वो मिनिस्टर बना तो तू फटीचर बनेगा। चमाइला, रात को बीवी ने सर में खोपरे की जगह राई का तेल लगा दिया। चमेली का परफ्यूम फिसकियों। आशा लता तैयार हो गई? ये ब्लाउज कितना ढीला सिया है, लगता है कोई नौसिखिया दर्जी होगा। तू MLA तो बन गया पर अंदर का दर्जी जिंदा है। अरे डार्लिंग तेरे को पता नहीं क्या, अपना सुपरस्टार रजनीकांत है ना, अपनी हर तीसरी फिल्म में कंडक्टर का ड्रेस पहनता ही है, मतलब अपने बुरे दिन को कभी भूलने का नहीं। मैं MLA तो बन गया हूं, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में सुई धागा घुसा हुआ सिलाई चलते रहती है। जैसे ही सांसद से छुट्टी मिलती है मैं सुई में धागा डाल ही देता हूं। अब देख कैसे MLA से CM की सीढ़ी चढ़ता हूँ। 25 जोड़ों की शादी कराओगे? देख फोन आया, इसका मतलब बात सच्ची है। हेलो, 25 जोड़ों में से 8 दूल्हे मंडप से भाग गए। लगता है मेरे हार्ट पर अटैक होने वाला है। ए देवा, हेलो भोपाली से टाक किया क्या? नहीं दीदी, वो कुछ सलूशन निकालेगा। अरे शहर मत जाना वरना पकड़ लिए जाओगे। 8 दूल्हे भाग गए हैं और प्रेम भोपाली बकरों को पकड़ के दूल्हा बना रहा है। मैं तो पानी में नहा के यही छुप जाऊंगा। अरे नहीं, अरे चलो ना मुझे। क्या कर रही है भाई, जल्दी उठो। मैं पहले ही चाल से परेशान। बस बस हो गया। क्यों रे यादव, सुना है पानी में दूध मिला रही है, ये पकड़ के लाओ इसको। शाहरुख जैसी दाढ़ी बनाना। टेंशन क्यों ले रही है, उल्टे उसरे से दाढ़ी बनाऊंगा तेरी। भैया जी रुकिए, तनिक हमका ये एड्रेस बता दो। ये तिवारी को कैसे जानते है? हमरे चाचा है। हाथ पीले हुए क्या तेरे? ढूंढाई चालू है। एकदम बकरा नंबर 4 लग रही है। अबे तेरे माथे पे शादी की लकीर फड़फड़ा रही है, कुछ ही घंटों में तेरी शादी का चांस है। हम घोड़ी चढ़ेंगे। घोड़ी पे बैठना है तो पहले गाड़ी पे तो बैठ जा बे। हाँ आराम से चलाइयो। एक सवाल पूछूं? जवाब देगा बे, पसंद की लड़की नहीं हो तो चलेगा ना। अबे भोपाली कौन बीमार है, एम्बुलेंस को मंगवाई। अबे लोगों की जान पे बनी है तू चिल्ला रही है। करना क्या है? आग बुझानी है, चल जल्दी बे। और इस एम्बुलेंस का क्या करूं? अबे मरीज की डिमांड है, इस पे ही बचना उसे। तू बैठ, संभाल के बैठ में। अबे हैंडल क्यों फंस गया? अरे अभी तक एक मछली नहीं फंसी। अरे मेरी तो फंस गई यार, झींगा फंसा होगा। अबे मछली है तेरी दुल्हन, वेजिटेरियन है। मछली क्यों पकड़ रही है? ए रवि, MLA जो शादी करवाता है ना उससे 8 दूल्हे भाग गए, इसलिए प्रेम लड़के उठवा रहा है। अबे उससे गांव के लोग डरते होंगे। या आने तो दे, उसे जूते से मारूंगा। अबे पहले जूते पहन तो ले। जुआ खेलना है तो जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल। शादी कर ले बेटा, आजा। प्रेम भाई सिर्फ एक ही दूल्हा बचा है। ये कम है, अब कहां से दूल्हा पैदा करूं? इसको तो लेके जा, मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है।
बची गयो। ए, मामा आप है? आप नहीं तो कहते रहा बाप है, कान क्यों काटा? ए, तभी मैं सोचूं कान से राई के तेल की बास क्यों आई? आज मैं राई का तेल डाला था। अरे अभी तो सिर्फ शादी का कार्ड छपा है, शादी हुई नहीं और तू बिना खर्चे के सुहागरात मना रहा है। हाँ हाँ समझ लिया हूँ। दूल्हे का इंतजाम हुआ? टेंशन मत लो, हो गया। अकेला संभाल के पकड़ो ने। कल्पेश भाई केम छो? लेके जा रहा तू? अरे ये मेरा केला है। वो मेरा है। और संभाल यार इसको तू। मुझे बड़ा ही दिमाग नहीं बढ़ाया। अबे कल्पेश आज इधर कैसे? मेरी गर्लफ्रेंड गले में अटक गई है। मैं तो अय्यासी के बारे में सोच रहा था पर शादी करनी पड़ रही है। ए बकोड़ा, आजकल की हर छोकरी स्मार्टफोन वापर के सुपर स्मार्ट हो गई है। हाँ शादी में तेरे को एमएलए को लेकर आना है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, तेरी शादी में पठानी एमएलए खड़ा रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा सुन बेटा, वो शादी में एमएलए को लाना, पठानी का क्या काम है? ये मूछ वाला मामा, एमएलए साहब पहले पठानी सूट सिलते थे। एमएलए से मिलने जा रही हूँ, तेरी भी मुँह गलत करा देता। अरे बेटा खाने के पैसे तो देते। मंदिर की सीढ़ी पे बैठ के भोजन कर लो, शादी से पहले कहीं मैं काला कलूटा ना हो जाऊं इसलिए सनस्क्रीन लगा के घूम रहा हूं। तू फोन पे टेंशन में क्यों था? अरे तेरे को देख के ऐसा लग रही है कि मेरी सारी टेंशन तेरे पास चली गई है, अब नो टेंशन। ए नमस्कार नमस्कार, ए नारे लगाओ चाय पिला दो। ए बका एमएलए का बहुत वोट है हो? ए एमएलए चाय वाला थोड़ी है। ए जैसे ही कृष्ण पठानी से मेरा दोस्त चाहता है कि आप इसकी शादी में स्टार्ट टू एंड रहो, मतलब स्वागत के थोड़ा पहले तक। क्यों नहीं, मैं आने को तैयार हूँ, पर इसको कुछ काय को बुला रहे? वो क्या है ना, मेरे ससुराल में सब गुंडे लोग हैं, वो शादी के बाद मुझे दबाए नहीं, इसीलिए आपको शादी में बुलाना चाहता हूँ। जीता रहो, लेके जाओ इसको चाय और कॉफी पिला। घर की बात है यार, भूपाली तेली लिया अदलक वाली ताई मलाई माल के लाया हूँ, पी लेना। मेरे जिगर के छल्ले। अबे इसको भी देना। लेना भाई अदलक वाली है। क्या यार चाय पिला के और काला करेगा। तेरी ये क्या किया बे? देख के टारा नहीं मार सकता, पूरी शर्ट गंदी कर दी। दोस्त के उधार मांगो। अबे नए कपड़े तो ले आ। हाँ ब्लू लाना, मेरा फेवरेट। ये ले पकल। क्या थी आये वो औरत का टाइम निकल जो बका के वो लागे छू। अरे वाह एकदम धूला लग रही है। प्रेम भाई झोल हो गया, बहुत बड़ा झोल हो गया। अबे अब कौन सी मुसीबत आ ठहरी? एक दूल्हा अचानक मंडप से गायब हो गया भाई। किसका दूल्हा? वो 21 नंबर वाली पुष्पा है ना, उसका दूल्हा भाग गया। ओहो, अबे यार एक भी दूल्हा कम हुआ तो एमएलए की नाक कट जाएगी, आत्महत्या कर लेगा। टेंशन मत ले, लाने को फोन लगा। हाँ लगा तो 10 मिनट में मुहूर्त का टाइम हो रहा है। फोन स्विच ऑफ है भाई। ओहो ब्रह्मचारी की माला नहीं पहनी होती तो मंडप पे मैं ही बढ़िया था। क्या करूं? देखो एक ही रास्ता दिख रहा है, तुम में से एक मंडप में बैठ जाओ। अगर मेरे ताले को पता चला तो गोली मार देगा। मेरी सांस को पता चला तो तुम्हारी सांस रोक देगी। कैसा स्वार्थी दोस्त है, दोस्त पार्टी में बुलाए तो ना धोके तिलक करके आ जाते। मेरा दोस्त मुझसे कुछ मांगे ना तो मैं अपनी किडनी निकाल के दे दूं। अरे 2 घंटे के लिए शादी का नाटक नहीं कर सकते? लगता है इन्होंने 16 नहीं देखी है। अरे तू अपना पारा क्यों चढ़ा रही है? देख मेरा जो होगा वो तो देखा जाएगा। काम कर, तू ही कर ले शादी। लाला क्या बोल रही है? अगले महीने मेरी ओरिजिनल शादी है। तो क्या हुआ, तेरे को तो खाली शादी का नाटक करने का है ना? कल्पेश हम लोग की शादी हो चुकी है, तेरी शादी हुई नहीं है। मैं तो बोलता प्रैक्टिस कर ले। अरे बस करो यार, दबाव में आकर हाँ बोल देगा। एक अरे प्रेम भोपाली, मेरे को नाटक करने को बोला लेकिन एक नकली दूल्हा तक नहीं ढूंढ पाया। मिल जाएगा, इंतजाम हो रही है। देख भंकस ना को कर, एमएलए ने मेरे से वादा किया है अगर मैं शादी करेगी तो खटिया मिलेगी और मेरे नौरे को सोने की अंगीठी, पर वो नरसाड़िया बिना अंगीठी लिए ही चंपा के साथ चंपत हो गया। सोने की अंगूठी मिलेगी, मैं उसे गला कर सोने का हार बनवाऊंगा अपनी बीवी के लिए। ए बका असली सोने की दे रहे हैं या तांबा मिक्स करके? 36 कैरेट की, पता नहीं किस किस्मत वाले को मिलेगी। झट से हाँ बोलूंगा तो मुझे लालची समझेंगे, थोड़ा नौटंकी करता हूँ। एक बात बोलू बका, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मैं नकली दूल्हा तो बन जाऊंगा पर अंगूठी असली चाहिए। लालच आया लपलपो। अब तो एमएलए पक्का आएगा। स्पेशल उंधियू बनाऊंगा एमएलए के लिए, उनको तू लाएगा। पहले क्लियर कर लेते हैं, शादी के बाद तू अपने घर में अपने घर। एमएलए ने मेरे को मस्का लगाया बोल के मैं राजी हुई, वैसे भी तू जैसे खटमल से मेरे को शादी करके जिंदगी झंड नहीं करनी। दे ताली। अरे टाइम हो रही है, देने लेने की बातें बाद में कर लेना। अरे आए कि नहीं? नमस्कार नमस्कार, खुश रहो, वैसे ही पार्टी की सेवा है। तू मिलकर काम करो, एक और एक हमेशा 11 होते हैं। जी जी जरूर। मंडप में चलें? हाँ ठीक है। नमस्ते। क्या जोड़ी है, सुखी रहो। मंत्री जी नमस्ते। क्यों री पुष्पा, अब कैसी पहले है तू? पहले से आराम है, भूली तो नहीं? बस क्या। लगता है मिनिस्टर पहले ही डाय मार चुका है। स्टेज पे जितने भी महाराती है उन सबको प्रेम भोपाली का नमस्कार। अब पार्टी की बात हो या पब्लिक की, एमएलए साहब का नाम खराब करने के लिए कई आस्तीन के साहब इधर ही बैठे, पर जब तक इनके साथ प्रेम भोपाली जैसा सपेरा है इनकी बीन नहीं बच सकती। सॉरी सॉरी भाई सॉरी।
धक्का काहे को मारा भाई। और सुनो, अगले साल से 25 कवारों की नहीं 25 तलाकशुदाओं की भी हमारे एमएलए साहब धूमधाम से शादी करवाएंगे। फोटो शादी के बाद देता हूँ, जाना भाई। फोटो में मुंडी मत लेना हो। ये नहीं, एडी सुन, फोटो डिलीट कर चल जा। मैं आदरणीय अरे ठसन मत दे जाने भाई। गुजारिश करूंगा कि यहाँ आकर मेरी और अपनी तारीफ में दो दो शब्द बोलें। लीजिए पकड़ी। विवाह के बंधन में बंधने वाले सभी नए जोड़ों को मेरा अभिनंदन। भाई मैंने अच्छी तरह से गिन लिया है, पूरे 25 जोड़ियां हैं। कैसे हुआ ये? अब मैं क्या जोगी बाबा हूँ? ये जो गले में माला डाल के खड़े हैं, पहचाना आपने? और हमारी पार्टी का भी हमारी पार्टी हर ये तो अपना ड्राइवर है। आपकी आंख तेज है भाई। ये विरोधी पार्टी से कैसे मिला? मोबाइल और सिम, जिस तरह से जुदा होकर नहीं रह सकते, उसी तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड से जुदा होकर नहीं रह सकता। आज के ये एमएलए कल मिनिस्टर बन जाएंगे, इनके लिए जोरदार तालियां। अरे वाह, बजाओ ताली। ये रेने भाई काय रे, चल आगे चल। इसको बोलते हैं पार्किंग में गाड़ी ठोकना। सही जाने मत, गुस्सा मत। ए देऊ का, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे बाद पार्टी की कमान और कोई नहीं, यही संभालेंगे। मंडल आभारी है। दादा, मिनिस्टर की बेटी के पति लगते हैं, फिर भी वो तुरपाई वाले दर्जी को मिनिस्टर बनाने जा रहा। शोशुर ने सिर्फ बोला है, उसकी बेटी तो मेरी है, अब प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। आप हिट हो तो कुल्ली मार के आ। संभाल के, संभाल के, आराम से। सदा सुहागरा तो आइए आइए, आओ आओ, मेरी शादी में आना हो। आऊंगा। गले में डालो। अरे गले में डालना। ये डाल दिया, ज्यादा पहनने का नहीं है, ओनली फॉर 2 मिनट। इस शादी वाले दिन तो अंग्रेजी पीनी थी ना, देसी पी के आया। ए मम्मी, लागी क्यों? अरे दारू पी ले। ये बका, ब्रह्मचारी वाली माला कहाँ गई? अरे माला पहनते वक्त मन्नत मांगी थी कि 25 जोड़ों की शादी करवा दूंगा। उधर 25 जोड़ों ने फेरे लिए, इधर माला उतर गई। बस घटिया दोस्त, खुद बच गया और मुझे फंसा दिया है। ऐसा नहीं, कोई है। बात नहीं, मुझे अंगूठी मिल गई तेरी घटियागिरी की वजह से। लालची। अरे कल्पेश, आज तूने प्रेम भोपाली की इज्जत बचा ली, थैंक यू। अरे बक्का, तेरा दोस्त हूँ, अगर तू बोलेगा कि सड़क के उस तरफ पीपल का पेड़ है, शादी कर ले, तो मैं कर लूंगा। मेरी जिससे शादी हुई वो लड़की चारपाई और चेन लेकर चली गई। वो रात भर उसके बगल में सोया, उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। अले ले, देवी को याद किया और वो साक्षात पेपर में हंसता हुआ चेहरा लेके प्रकट हो गई। साथ में देवता भी है। क्या हुआ, क्यों रो रही है? मेरी नकली शादी की फोटो असली पेपर में छप गई। मेरी होने वाली पत्नी देख लेगी तो शादी के पहले ही मुझे तलाक दे देगी। काला है, फोटो में बहुत गोरा दिख रहा है। हां मेरा मुंह काला हो गया है, तू गोरा हो रहा है। अरे बाद में मार लियो, पहले फोन उठा। लगता है लड़की वालों की तरफ से होगा वकील का फोन तलाक के लिए। कल्पेश। हाँ बोलो मामा। अरे ये क्या किया तूने? तूने पुष्पा के गले में मंगलसूत्र डाल के मेरे अरमानों का गला घोट दिया। पुष्पा? आपको आपको कैसे पता उसका नाम पुष्पा है? मुझे क्या, पूरे शहर को पता है, हर सुलभ शौचालय में उसका नाम और नंबर लिखा है। आपका मतलब रात और दिन दिया जले? वो अकेली ही नहीं, उसकी माँ, माँ की माँ, उसकी बहन, भाभी, चाची से लेकर मौसी, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के छोटे से छोटे शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं उसके। हर जगह कमर हिला चुकी है वो। बस करो मामा, अटैक आ जाएगा। पूरे वर्ल्ड में तूने अपने कुल का नाम नीचा कर दिया। मामा जी, हम दोनों की असली शादी नहीं हुई है। मैंने तो बस, अरे सांभो ने, अंगूठी की लालच में चट मंगनी और झटपट ब्याह कर लिया। ए मामा जी, बस ध्यान रखो मेरी अर्धांगिनी को पता ना चले। चुप कर, अंजलि के बाप ने ही फोन करके मुझे ये न्यूज ब्रेक की। नहीं माने, वो पुष्पा को जानते हैं? अरे न्यूज वाले तो जानते हैं। कलयुग घोर कलयुग है, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। एक अंगूठी की लालच में 10 किलो सोना गया। चीयर्स क्यों कर रहे हो? चीयर्स नहीं, इसका ज्यादा ये मेरे को दे रहा है। रुको मैं पिलाता हूँ। ये ले पी, ये ले, ये चकना भी खा, दोस्ती के नाम से दबाओ। अरे शाम जाने कोई रास्ता निकालते हैं, अंजलि के घर चल के सब कुछ सच बता देते। अभी क्या, अभी चलते हैं, मेरी डूबती नैया को तू तैराएगा, मेरे इज्जत के फूके में बोल हो गया। मेरी नाजायज शादी की खबर आग की तरह फैल गई होगी। गलत फहमी में मंत्री हो, कोई फिल्म स्टार नहीं है तू। संदीप भाई क्या हुआ? अरे कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अच्छा अभी देखता हूँ, उतर नीचे। ए बका,
मेरी जिंदगी की गाड़ी को खराब करके इनका खटारा ठीक करने जा रहे हैं। अबे अपने संदीप भाई मदद तो करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, संदीप भाई का दीप जलाते हैं। ए ढीला, इधर क्या कंचना खड़ी है जो तू उसको धक्का मार रहा है? 24 घंटे कंचना ही नजर आती है। अरे उसको छोड़ना, कार को धक्का मार भाई। चल चल, धंधे में ध्यान दे। अरे तू तो पुस्ता का पति है ना? देख बका, दो खंबा गटगटाने के बाद भी मुझे पहचान लिया कि मैं पुष्पा का पति हूँ। लगता है पुष्पा के आधार से मैं लिंक हो गया। तू धक्का दे, आजा धक्का दे। लगी गयो। ए भाई सूचे, अपनी पुष्पा का ख्याल रखना। हम लोगों ने पुष्पा का जॉइंट अकाउंट खोला है। अगर पुष्पा का नाम लिया ना तो पुश करके पुष्कर भेज दूंगा। गाड़ी पुष्कर छोड़ना, छोड़ छोड़। आजा आजा धक्का दे, दम लगा। ए भाई तू भूखा ही सो जाना चलेगा, लेकिन उसको भूखा मत सुलाना। क्या कर रही है, पागल हो रही है क्या? इसने फिर से पुष्पा का नाम लिया ना तो मैं पहले मारे पे जाके धक्का मार। बनो मैं तेरी। अबे ठोको नहीं है संदीप भाई, ये ठोकर होगी क्या? देख प्रेम, तू गुठली बन के मदद का आम खा, धक्का लगा। चल कल्पेश, डिक्की खोलने में मदद कर। खोल चल यार, खोल बंद कर। सोचे मोटा भाई, डिक्की में बेडरूम बनाता है कोई? ए मम्मा मरी गयो। क्या है बे? क्या है बे? देख लड़की है इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना चमड़ी उधेड़ देता हूँ मैं। क्या करेगा बे? धमकी देता है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो। अबे रोक, तेरी तो मैं तो धो भी नहीं पाऊंगा। चढ़ गई है, पीछे तक पहुंचेगा ही नहीं, मरी गयो। ए संदीपड़ा, लड़की को उठवाकर उसे बेचने जा रहा था है ना? नोटबंदी के बाद तेरा भी धंधा मंदा हो गया क्या? कुछ भी मत बोल। ये लेडी सिंगम थी कौन? मुंबई पुणे हाईवे पे एक नया ढाबा खुला है, उसी की बेटी है। अभी सिर्फ पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा है, लेकिन खुद को इंस्पेक्टर समझने लगी है। इलाके के जितने भी गर्ल्स कॉलेज है वहाँ मंडलाने वाले सड़क छाप रोमियो को मार मार के भगाती है, और मेरे बेटे जेम्स की तो 4 बार धुलाई कर चुकी है। इसलिए इसे किडनैप करके डिक्की में बंद करके पहाड़ की ऊंची चोटी से हम फेंक देने वाले थे, लेकिन तुम लोग टपक पड़े। इसे डिक्की से लड़की को नहीं निकाला, बोतल से जिन निकाला। बराबर बोला। फोन उठा। मम्मी कौन छे, फोन करे छे? हेलो कौन छे? नहीं नहीं, ये रॉन्ग नंबर है भाई, मैं कल्पेश कावा। क्या बात कर रहा है, दूध वाले ने बताया, पूरे घर में पता चल गया, फेसबुक पे पोस्ट किया। अरे बाप रे, हूं तो फेमस थे क्यों? कौन था बे? जामनगर से धीरू भाई के बेटे का फोन था। क्या बोला? बाप बेटे दोनों ने मेरा शादी का फोटो फेसबुक पे देखा, 10 मिनट में 10 लाख लाइक और 12 लाख कमेंट। होली में गरबा था गया। बना बना डोसा बना, पहले डोसा खाएंगे फिर धाबा तोड़ेंगे। आज बिल भी नहीं चुकाएंगे। गोल तेरी। ए ए, इसको अपनी हड्डी पसली तोड़वानी है तो सामने आ जाओ। फोड़ फोड़ नहीं कर रही, शांत हो जाओ बे। ए शांत। ए कल्पेश भांगी नाक। ए बका, हाथ तो पहले से टुंडा हो गया है, तू चाहता है कि मैं बैसाखी लेके चलूं? मेरी जान तो मेरी जान के लिए छोड़ दे। क्या अरे तड़का मार के? ऐसा पहले अपने लड़के को बुला। अरे वो कब पैदा हुआ? अपने भाई का लाइसेंस टूट गया, वो लात से कुछ खा नहीं पा रहा है। तेरी बेटी को बुला, वो कुछ खिलाएगी इसको। अरे तो हॉस्पिटल जाओ ना भाई, यहाँ क्या कर रहे हो पापड़ से? अरे काका, इंसान की तरह मारती तो ठीक है, उसने हमारी बॉडी का जल्दी भी फाफड़ा बना डाला। डॉक्टर ने बोला तोड़ने वाला ही जोड़ सकता है। अपन इससे बात ही क्यों कर रहे, चल तोड़ते हैं। भाई तेरा रविंदर दिखता तू छछंदर, मारूंगे भेजे के अंदर, पहुंचेगा बोरे बंदर 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 बंदर, वो तेरी हड्डी तोड़ेगी, गर्दन मोड़ेगी, कर देगी सबको जेल के अंदर अंदर। लगता है तो हमारे पास भी हिमेश है तुलोदा। गाना बंद करो, नाक में बूच मार दूंगा। मासी के साथ अंताक्षरी खेलने आए हो क्या? रोज सुबह सुबह बाथरूम में गाया करो। चलो डंडो से इसका सुर बिगाड़ो। चलो पहले डोसा खिलाओ। ए, अरे क्या कर रही है, बोला ना अपनी बिटिया को बुला जल्दी। क्या मगजमारी चल रही है? हाँ कौन है ये टपोरी लोग बाबा? तो खुद ही पूछ ले आलू छील के। उस दिन लगी डाकू और आज हसीना। ए ललके, तू क्या लोग दम्बेल उतारती है क्या? मारने का तलीका होता है कि नहीं? अदलक की तलब तेला मेला कर दिया।
ओए आंखें क्या फाड़ रही है, हमारी फाड़ के भूल गई? तुझे अपहरण करके ले जा रहे थे अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में, तो तेरा काम था बे। नहीं नहीं, हमको ये डाकू थोड़ी है जो डिक्की पे डाका डालेंगे, हम तो हीरो लोग हैं। तुमने डिक्की खटखटाई तो हमने खोला। सॉरी। अबे बोली सॉरी, वो अंधेरे में आप लोगों को देख नहीं पाई थी। कल बेस कल आए तो ऐसा बोलेंगे क्या? ये बैलेंस बिगड़ जाएगा भाई। सॉरी तो बोल रही है ना वो, और क्या चाहिए? आपकी कोई गलती नहीं है, उस हालत में कोई भी होता तो यही करता। ये लोग आपका दर्द कहाँ समझेंगे? मुझे पता है कितनी मुश्किल से एडजस्ट हुई होंगी आप डिक्की में। अपनी बिरादरी की तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ। यू सॉरी। हाँ क्या हुआ, दर्द हो रहा है? बहुत हो रही है। बाबा जरा राई का गरम तेल देना। अभी देता हूँ उबाल के। आ जा। ओ मालिश करवा वाली छे, मारे पन करावी छे। कुछ कुछ हो रहा है। पहली मुलाकात में फाइटिंग, दूसरी मुलाकात में टचिंग, माथे पे लिखी तकदीर तकदीर से मिल गई। बड़ा मजा आ रहा है बे, सुख मिल रहा है जिंदगी का। अय्या जन्नत का मजा मिल रही हो है। बेलापुर में बैंकॉक का मजा। मालिश करके मुस्टंडा बना दिया मुझे। ए डोले ए शोले। ये अंजलि मारी ढींगली, अखबार में जो छपा है ना वो झूठ है। मैं तो तेरे लिए सोने की अंगूठी का जुगाड़ करने गया था, लेकिन मेरा जुगाड़ हो गया। मुझे भरोसा है, लेकिन मेरे हाथ पीले होने के बाद वो नचनिया मुझे लाल पीली करने आ गई तो मैं कहाँ जाऊँगी? उसने अपना धंधा फैला के रखा है, वो नहीं आएगी। आ गई तो सुख करूँ। देख कल्पेश, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं सौतन से लड़ूं। एक काम कर, वकील के पास जा, तलाक के पेपर्स बना, उस पर पुष्पा का साइन ले और मेरे पास आ। अगर तू कामयाब हो गया तो पब्लिक के सामने 150 रुपए के मंगलसूत्र के साथ मैं तुझसे शादी कर लूंगी, और अगर नहीं हो पाया मेरी याद को अपने पल्लू से बांध के जिंदगी गुजारोगी। हाँ सपने मत देख, उसी डेकोरेशन और उसी हॉल में अपने चाची के भांजे के साथ शादी कर लूंगी। चाची का भांजा? ए उबीर है मारी बात। तलाक, मैं उसे तलाक के पेपर साइन करा के उस पे लेमिनेशन करके आऊंगा। भाई तू तो हमेशा साइलेंट मोड में रहता है और वो वायलेंट मोड में रहती है। अगर तू उसको मैरिज रिंग पहनाएगा ना तो घर बॉक्सिंग रिंग बन जाएगा। तुम दोनों की बातें सुन के मेरे फैसले पे लेमिनेशन हो गया है। कहता बेटा देख भाई, अपने देश में दो चीजें पावरफुल होती हैं, एक पुलिस दूसरा पॉलिटिशियन, और दोनों एक हो गए ना तो मेरा बाल क्या कोई धागा भी बाका नहीं कर सकता। तो तेरा प्लान क्या है मेरे भाई? पहले उसको पटाऊंगा, एमएलए के आशीर्वाद से शहर का मंत्री बनूंगा, फिर शादी की पिपरी बजाऊंगा मैं। मेरी शादी तुड़वा के। अरे कल्पेश क्या हुआ बे? पहले मैं शादी का कार्ड लेके आया था, अब तलाक के पेपर लेके घूम रहा हूं। तू चिलमिला रही है, बैठ जा चाय मंगाता हूं। मेरी जिंदगी की चाय में मधुमक्खी गिरा के तू चाय मंगा रहा है? रो क्यों रही है बे? मेरा नल बाजार दुखी हो गया। कल सूरज जाके अंजलि को सब सच बता दिया, उसके गरम गुस्से पे आधा लीटर ठंडा पानी डाला। वाह मतलब बात सीधे सीधे समझ गए। अरे नहीं भाई, सब जलेबी हो गया है। मैं उसको मिला तो उसने बोला मेरी शादी का ताला खोलने के लिए तुम्हें पुष्पा के तलाक की चाबी लगानी पड़ेगी, वरना किसी और से ताला खुलवाएगी। ए बका, 150 तोले की अंगूठी के चक्कर में 150 रुपए के तलाक के पेपर लाया हूँ। पठानी एमएलए को बोल के इस कागज पे पुष्पा का अंगूठा लगवा। अबे एमएलए तो अपना ही आदमी है, खामा खा लोड मत ले, बस पुष्पा को यहाँ ले आइयो। पुष्पा का पता नहीं पता भाई? अरे पहली और आखिरी बार उसे सस्ती वाली शादी के मंडप में देखा था। बकेदी क्यों कर रही है, फोन लगाना। फोन किधर से करूँ है, मेरे पास नंबर नहीं है। कल्पेश अपनी वाइफ का भी नंबर तो अपने पास नहीं लग सकता? अरे वो तवायफ, मेरी वाइफ कैसे हो सकती है? दोस्ती के वास्ते मेरे रास्ते लगा दिया, अब मैं पुष्पा का नंबर किधर से लाऊं? येलो पेजिस पे भी नंबर नहीं होगा, कहाँ से लाऊं नंबर? कोई नंबर 9093816 16। तू पुष्पा का भाड़ खाओ है, उसका व्हाट्सएप डीपी देख के खुश हो जाएगी। तुरपाई कर रही है, नंबर दिया ना डायल कर। दूध वाले भैया के पास होता तो समझ में आता, लेकिन दर्जी के टाका मारने वाले छोकरे के पास? बोल भाई। 9799 09 09 09 38 38 31 6 6 1 6 6 1 6 6। लागी गयो। The number you have called is currently doing Gujra. Please call again later. अभी यही सुनना बाकी रह गया। आराम से।
जल्दी से अच्छी नौकरी मिल जाए, जीवन में सब अच्छा हो, जय हो। हम पे मंत्र नहीं मारोगी? शुरू हो जाओ रफीक साहब। बंटी आया दीदी। साहब ये आपकी इडली। ये नहीं बे, पनीर हलवा चाहिए। वो सिर्फ गुरुवार को मिलता है, आज रविवार है। रबड़ी जलेबी वो तो शाम को ही देखने मिलती है साहब। बड़े दिन से देख ही रहा हूँ, आज तो खा के ही जाऊंगा। एक काम कर, जाके 5-6 डोसा लेके आता तक। बंटी हाँ दीदी, क्या चाहिए उन लोगों को? लगता है वो आपको देख के ही पेट भर लेंगे। क्या बात है, क्या हुआ बेटा? सुबह सुबह टाइम पास करने आ गए, अभी सबक से खाती हूँ। बात को समझा कर, अगर इनके फिर से कहीं हाथ पैर तोड़ दिए तो मेरे ढाबे का कुर्मा बना देंगे ये। चिंता मत कर, मटर कच्चे। तो क्या इन्हें ऐसे ही जाने दे? अरे मुझे याद आया, धनिया लेके आना था। ये ले। हाँ। जल्दी लेके आना, पुराना हिसाब भी चुकता कर देना, मैं इनका सलाद बनाता हूँ। अरे जाना बेटा। ये लो आपका सादा डोसा। गर्म गर्म में भाप उड़ रही है। मेरी तो भूख ही चली गई। तेले को दाना है तो जा, उते देख के तेली भूख तो मिट गई, लेकिन हमारी भूख का क्या? प्रेम भाई कुछ आपने को गुस्से में देख रहे, डोसा खा के वट लेते। अबे ये लड़कियों के बाप बहुत मासूम होते हैं, चुटकियों में बन जाते हैं। देख कैसे बनाता हूँ। क्यों बे? क्या हुआ अंकल? किसी ढाबे में आके तमाशे का भजिया तलना अच्छा लगता है? ये कमिश्नर साहब को भी चैन नहीं है। हेलो। ए बका, मैं चित्तूर में शादी के कार्ड बांटने आया था तो पता चला इधर 4 दिन पुष्पा का डांस प्रोग्राम है, तो आज शाम तक तू भी आ जा, साथ में मिलके उसको ढूंढते हैं। अरे प्रेशर ना लो अंकल, ऐसे भी पोस्टिंग ही तो बदली है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पोस्टिंग नहीं गांडा, आखा शहर में पोस्टर लगे हैं। हवलदार बन गए तो इस बार सीधा कमिश्नर ही बना देता हूँ। ओ तेरी कमिश्नर। ए बका, मैं ढोकला ढोकला कर रहा हूँ, तू दाल ढोकले ढोकले कर रहा है, क्यों है? भतीजा पुलिस नहीं बन पाया। ठीक है तो एक काम करता हूँ, उसको FBI में लगवा देता हूँ, वो अपनी अमेरिका की पुलिस। हाँ ओबामा से बात चल रही थी पर वो तो बदल गया ना, तो ट्रम्प चीचा से बात हो जाएगी, अभी बात करता हूँ उससे। पहले मुझसे तो बात कर ले। जय हिंद। हेलो ए बका, ए गांडा, क्या लगता है उसने कान में सांडे का तेल डाला होगा? क्या बोल रहे थे चीचा? वो अच्छा बिल चाहिए क्या? बेटा क्या बात कर रहा है, बिल नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, जब चाहो यहाँ आओ, तरी मार। अरे इसका आटा क्यों गूंथ रहे बेटा? आना है बेटा, जरूर आना है। देखा लड़कियाँ कड़क होती है तो उनके बाप ऐसे ही नरम होते हैं। सुबह सुबह सेल्फी वाले कैमरे में अपना ही थोड़ा देख लिया था, लगता है गुड न्यूज के साथ अच्छी खबर भी आएगी। ये कौन है ना, होने वाला ससुर लुंगी में यहाँ क्या कर रही है? क्या वो अंकल धूप सेक रही है? काम था बेटा, पता था यहीं से गुजरोगे लस्सी बना के। क्या बात है, मेरी पूरी कटिंग निकाल रखी है, क्या काम है? बेटा इसमें 10 लाख रुपए। 10 लाख? बस मेरी बेटी को कैसे भी पुलिस की नौकरी दिलवा दो पकौड़े तल के। ऐसे कैसे पैसे, ये तो डोमेस्टिक वाला घरेलू मामला है ना, MLA से बात कर लूंगा, मुफ्त में हो जाएगा सब। अब तुम MLA से बात करोगे और MLA को मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी, और मिनिस्टर बिना फालूदा पिए नहीं मानेगा। वैसे तो पिछले साल ही सिलेक्शन का सैंडविच खा लेती, लेकिन बीच में SCP ने अचार डाल दिया। इन पैसों के लिए मुझे 10 किलो प्याज काटने जितने आंसू आए। ग्लास भर गया होगा। एक बात और बेटा, मैं इतनी बड़ी रकम किसी और को तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम तो घर के मुर्गे हो। इस बारे में और किसी को बताया है? तुम पहले और आखिरी कस्टमर हो बेटा, तुम्हारी पहुंच को देखकर मेरे मन में उम्मीदों की खिचड़ी बन रही है। बेटा ये पैसे रखो, MLA को खिला दो और मेरी बेटी को पुलिस में भर्ती करवा दो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ, हाथ वजनी हो रही है। अरे रुको बेटा, मेरी बेटी को मत बताना कि मैं उसकी नौकरी के लिए रिश्वत दे रहा हूँ, अगर उसे पता चल गया तो वो मेरी खोपड़ी की पानी पूरी बना देगी। जरा सुनो, ये मैटर हमारे बीच ही रहे। बीचो बीच ही रहेगा। प्यार का टोकन मिल गया, पोजीशन भी जल्दी मिल जाएगा। सिर्फ 40 घंटे बचे हैं, हड्डी छोड़कर सब कुछ खराब हो गया है। इतनी दारू सिगरेट पीने के बाद भी जिंदा है, ये तो एक चमत्कार है। अब ये मेरी नहीं भगवान की गारंटी है, चलता हूँ। सिस्टर क्या हुआ, की बोल लो? डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे और जिएंगे। अरे डॉक्टर के जे पकोड़ा तल ले, तेरा बाप क्या बोला? अरे ऐसी हालत में क्या बोलेंगे? अरे तू अब टेंशन दिशना, 5-10% का बात नहीं है, 500 करोड़ का बात है। मरने से पहले बुड्ढे को पूछना पड़ेगा पैसा कहाँ छुपा है। मैं पूछ पूछ कर थक गई, पर बुड्ढा बताता ही नहीं है। उसने उस पठानी MLA को बुलाया है। वही दोरजी को? उसको काई को बुलाया? हमारा दिमाग का बहुत ही जल गया। तेरे को बोला था उससे ब्लाउज मत सिलवा कर, किंतु तू सुनिश ना, 50 रुपए का ब्लाउज सिलने वाला आज 500 करोड़ का मालिक बनेगा। बस आप टेलर बन जाओ। एकदम ठीक। ओम क्रीम आइसक्रीम,
ओम क्रीम आइसक्रीम ओम। मुच्छड़ मामा बोल भांजी, ये कब से आइसक्रीम बोल रहे हैं? आइसक्रीम पिघलेगी तो नहीं? ये बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं। जमीन पे आया है क्या? खोए हुए इंसान से लेकर इधर उधर रखी चड्डियों तक को ये अपने मंत्र से ढूंढ निकालते हैं। अभी पिघली हुई आइसक्रीम का केस संभाल रहे हैं, इसके बाद पुष्पा को ढूंढेंगे वो, समझे? स्वामी, वाइफ का नाम बोलो। बाबा वो मेरी असली बीवी नहीं है। मंगल सूत्र डाला? हाँ, 100% असली। नौटंकी बंद कर, नेम बता उसका। पुष्पा। पुष्पा, पुष्पा चार अक्षर है बाबा। करेक्शन है, पुष्पा नहीं पुष्पा। स्वामी ने चार बोला तो चार ही होगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। ए, चुप रहो। ये तो पान बना रहे, इनको बोलो सिर्फ कत्था लगावे, चूना ना लगावे। तंत्र मंत्र की दुकान से पहले इनकी पान की दुकान थी। ये तो खा गए। पान बिना ज्ञान अधूरा है। ये पान को गिरीस क्यों लगा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हवा के झोंके से पत्ता और दुपट्टा सब हिल रहा है। समवन कमिंग इसी तरफ। ऐसा लग रहा है वो वही है, तेरी पुष्पा। पुष्पा दिखाई दे रही है? हाँ, एकदम अच्छे से। आगे सुन। स्वामी जी। बोल बच्चा। मैं अपनी नकली अर्धांगिनी को देख सकता हूँ? हाँ, सरस। लाओ दिखाड़ो। जय हो स्वामी जी, पुष्पा दिख रही है। स्वामी जी आप महान है, आपने कहाँ से कोर्स किया है? ए मामा, पुष्पा दिख रही है, साक्षात दिख रही है, और उसने गॉगल भी लगाया है, 3D की तरह पास आ रही है। स्वामी जी उसने काले रंग का ब्लाउज पहना है ना स्वामी जी? सही जवाब। और उसके हाथ में लाल रंग का बैग भी है। और हरे रंग की साड़ी भी पहनी होगी। हाँ टकलू मामा, उसने हरे रंग की साड़ी पहनी है। आपने होल में देखे बिना सच कैसे बोला? क्योंकि दुनिया गोल है, अंदर से पोलम पोल है। मामा भी बाबा बन गए। अभी भी दिखाई दे रही है क्या? बच्चा, 500 लोकेशन बताने के लिए और 5000 लोकेशन को इधर लाने के लिए कौन से देगा, लाल या हरे? तेरे को हरे नोट चाहिए? वो जो नोटबंदी के 500,000 के जूने नोट पड़े ना, इसके मुंह पे मारो मामा। और ये उमराव जान आ गई, ये उसकी तो जान निकलता हूँ। उभी रहे क्या जाए छे? पति को छोड़ के कहाँ गई थी? मैं गंगा जी में डुबकी लगा के सारे पाप ड्राई क्लीन करके आई। डूब क्यों नहीं गई? तेरे को मंगल सूत्र सिर्फ दिखाना था, डाला काय को? और ट्विटर पे मेरी फोटो ट्वीट क्यों की? देख आधा हिंदुस्तान जान गया कि तू और मैं पति पत्नी है। ए तेरा पति बनने से पहले जहरीली पत्ती खा लूं। पुष्पा इनकार रखो, अंदर कोने में रख दे। ए खटिया वाले भाई, उसमें सोएगा कौन उसमें? क्या रे, डिटेल में जाऊं क्या? तक नहीं समझा, अंगूठे के साथ साथ खटिया भी मिली है। मामा आशीर्वाद की थप्पड़ दो दे। मुझे मामा आशीर्वाद दे रहे हो, मेरी खटिया खड़ी हो गई, आशीर्वाद दे रहे हो। अभी रे क्या जाए छे? अरे तुम जाओ ने। ए पुष्पा बता, ब्लैकमेल करेगी? मैं मेल भी हूँ, ब्लैक भी हूँ। तलाक के कागज लेकर आये हूँ, इस पे अंगूठा मार दे। उंगली मत मारना, अंगूठा ही मारना। अंदर जाने भाई। अरे भाई उबो रे, मेरे घर में इतना मजबूत पलंग नहीं है, ले जाना भाई। तूने मुझे प्रवेश करने दिया है जो मैं तुझे प्रवेश करने दूँ? चुपके से मंदिर में जाके तूने चुटकी भर सिंदूर नहीं भरा? 1,500 पब्लिक के सामने तूने गले में मंगल सूत्र डाला, असली शादी हुई तो है। क्या? मैं तेरी बाइक हूँ और ये खोली है मेरी। ये तू लेके जा अपने घर पे, ला सबको जा। आया बड़ा ऐसा टाकिया वाला। हाँ तू उभी रहे, तू देख लेना, मैं एमएलए को लेकर आऊंगा, उसके सामने साइन कराऊंगा, हमारा तलाक होगा, डांडिया करूंगा। हमें बांध नक्को चला, लेके आ उसको। मैं 10 मिनट में उसको लेकर आता हूँ, तू उभी रहे। आते समय घास लेट और राई का तेल लेते आना। तू किचन में आग लगा, मैं तुझ पे घास लेट डाल के आग लगा दूंगा। अभी आता हूँ। इंतजार करेगी। अगर बाइक को टेस्टी खाना बनाना सीख लेना तो मैं बाहर काय को जाऊं। मैं नाइटी में तेरे कान में क्या फुसफुसाई थी? मैं तो भूल गया, चूरन देना पड़ेगा। हाँ, इस एनिवर्सरी की रात को तुम कह रही थी कि तुम रप भजिया तलोगी और मैं कब अगब उसको खाऊंगा। अरे गैला केस, पिछले एनिवर्सरी पे बोला था ना कोहिनूर की अंगूठी देगा, तेरे को याद नहीं रहता क्या? अरे देने को क्या है, मैं तो अभी दे दूं, लेकिन गुस्से में कहीं तू चाट लेगी तो फिर मेले कसा खाए प्रेम। खाना इटेगा भोपाली? नहीं भाभी, मैं खा कर आया हूँ। यहाँ नहीं खाएगा, ये तो अपने होने वाले ससुर के ढाबे की रबड़ी खाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे पाप लगेगा तेरे को, आंग पे बड़े बड़े फोड़े आएंगे, पॉलिटिशियन से झूठ बोलते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? का लव का फुग्गा फुला रहेगा? अरे नहीं भाभी, मेरी फिरकी ले रहे हैं। सच बोल दे। हम लोग जाके एंगेजमेंट की बात करें क्या? तेरी इंग्लिश सुन के लड़की ना बोलती कि जाना। चल अब मतलब की खीर पका। ये क्या है रही? 10 लाख रुपए मेरे को नहीं चाहिए, ढाबे के मालिक ने दिए। काय को?
आपको तो पता है प्यार की चीटी काटने लगी है मेरे को, और लड़की को एक्शन भी पसंद है, इसीलिए पुलिस वाली बनना चाहती है। बेचारी बहुत बार ट्राई भी की, सिफारिश का धक्का मिल जाए तो खाकी में बहुत जचेगी। मैं क्या उसके लिए ड्रेस सिल के दूं? अरे उसके लिए मैं हूँ ना, उसे बस नौकरी दिला दो। यहाँ पे घर के पास की चौकी में लगवा दो ताकि मेरा भी चौकी चूल्हा चल जाए। पैसा काय को, मैं अभी जिंदा हूँ मर नहीं गया। हॉस्पिटल में मिनिस्टर से मिलके डीजीपी से बात करके बताता हूँ। अरे आपको पैसे का लालच नहीं है, पर आगे वाले लालची को देने पड़ेंगे। अरे तू मेरे छोटे भाई जैसा। अरे बाबा पैसा रख। अरे क्या कर रही हो शर्मा? अरे रख। अरे रख लो, जिद मत करो। मैं दो ही बार ना बोलता हूँ। पठानी पठानी एमएलए। अरे क्या हो रही है, बोनट में घुसेगा क्या? कुछ हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों मेरे साथ चलिए। अरे सोच क्या रहे हो, चलो ने चलो। क्या कर रही है? मामा ठहरा जो तेरे साथ घूमने चले। पुष्पा ने मेरे घर में पैर फैला दिए और अपनी घटिया खटिया भी साथ लाई है। उसने बंगाली बाबा के सामने कसम खाई है कि एमएलए के सामने ही डिवोर्स देगी। जो बोलना है सच बोल, सच के सिवा झूठ नहीं। आपको एमएलए से सीएम बनाने के लिए हमने सामूहिक लग्न का प्रोग्राम रखा था। इसने मेरी नकली शादी पुष्पा के साथ करा दी थी, याद है? अब वो नकली बीवी पुष्पा असली खटिया लेकर मेरे घर में सोने आ गई है। ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है। तो चलिए अपने काले कलूटे हाथों से उसको लाफा मार के साइन करवा दो ने तलाक पे। तूने अपने दोस्त की समाधि पे अपने प्यार का चिराग जलाया। तो इसने आपको पर्दे में रखा। तुझे तो बताइए कितने बिजी ठहरे, सीएम बनते बता देता। बकुड़ा, लोग कहते हैं पॉलिटिशियन पे भरोसा मत करना, मैं कहता हूँ तेरे जैसे दोस्त पे भरोसा मत करना। बड़ा नहीं भाई, कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी हो रही है, टुच्ची सी बात है। घर घर की कहानी, घर की कहानी वाले, वहाँ मेरे घर में आग लग रही है। उस आग को पुष्पा बुझा देगी, मंत्री साहब बहुत सीरियस है। बड़ा नहीं भाई, वो शादियाँ आपने करवाई थी, लोगों के सामने शादियाँ फर्जी निकली तो फिर दर्जी बन जाओगे। इसलिए मुफ्त में ना सोचो, जहाँ कुछ मिले वहाँ सोचो। आप चलो, इसकी पुष्पा को मैं कुछ करके आता हूँ। मेरी छाती पर बैठ के मूंग दल रही है, वो छाती से कुछ इंच नीचे बैठे, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, आप जाइए। एमएलए पठानी, मेरा घर क्यों लोड ले रही है? ठंड रख। चलो चलो अपने काम पे चलो। तू क्या देख रही है, तू भी आ जा। पता नहीं मिनिस्टर साहब कैसे होंगे, ये हेलोवीन का त्योहार इधर क्या कर रहे हैं? तुम कितना पतला हो गया आजकल, डाइट पे नहीं होना। सीरियसली बोल छी। हाँ थैंक यू। अभी काम की बात करता है। हमारा ससुर जो तुमको बोलेगा वो हमारे कान में फुसफुसा दो, हमारे जिंदगी में अच्छा दिन आ जाएगा। ठीक है आओ मेरे साथ। अरे मिनिस्टर साहब। ससुर मुझाई, आपको देख के बहुत दुख हो रहा है। जब आप ठीक हो जाएंगे मैं आपकी हजामत बनाऊंगा। मैं टेलर एमएलए, अगर डॉक्टर से टाके नहीं लग रहे हो तो मैं मंगूस चप धागे से सिलाई कर दूं क्या? अरे क्या बोल रहे हैं ससुर जी, वो आपका भला चाहते हैं और आप उसे भगा रहे हैं। मैं तंगू से टाके मारूंगा क्या? तुम्हें नहीं भगा रहा हूँ, मैं इस गधे को भगा रहा हूँ। तुमने क्या लो? मेरे ससुर की जिंदगी ओसुर हो गई है। लेकिन वो जो बोला मेरे कान में जो बोला, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। खुद को डॉक्टर समझता है, दूसरी फेल है। इसमें क्या देखा जो दामाद बनाए? नजदीक आऊँ, बोलो, सुनाई देते हैं, बोलो। यमराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको बोल के अपनी लाइफ तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम्हारी लाइफ लाइन हूँ मैं। लाइफ लाइन की औलाद, ऑक्सीजन पाइप लाइन से पैर हटा मारेगा मुझे। गलती हो गई मिनिस्टर साहब, माफ करना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने जिंदगी में हमेशा गलत काम किया, तो है कुछ अच्छा काम नहीं किया। कुछ नया बताओ, ये तो सबको पता है। 500 करोड़ कमाए हैं मैंने लोगों को टोपी पहना। अरे आराम से और बताते जो मैं सुन रहा हूँ। वो रुपए मैंने छुपा कर रखे हैं। अच्छा अच्छा, वो जगह। अरे ये कहाँ से आ गए, भगाओ इन्हें, भगाओ। चलो निकलो यहाँ से, फोड़ा फोड़ा। किसी काम का नहीं आपका दामाद। सांस लो, सांस लो, सांस। 500 करोड़ रुपए मैंने लूट में छुपा कर रखे। 500 करोड़ का घपला किया आपने? अरे बोल, किसी को पता चल गया तो 500 करोड़ रुपए की वाट लग जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम उन पैसों का इस्तेमाल नेक कामों के लिए करना। करूंगा करूंगा, उस पाप के पैसे से आपके सारे पाप धो दूंगा। मरने के वक्त मिनिस्टर ने टेलर को क्यों बुलाया? तो गया वो। ये इधर क्या कर रहा? लगता है आपको छोड़ के ससुर जी 500 करोड़ का राज सबको बताने वाले। देख लेना भाई। हाँ पूछो इसे। वो दर्जी अंदर है ना, ये बताओ उसे यहाँ किसने बुलाया? पहले ये बताओ तुम इधर कैसे आए? झूठ बोलो। उनकी तबीयत पूछने। 500 करोड़ के बारे में पूछने नहीं आए? अरे ये तो भांग पी के कुछ भी बकवास कर रहा है, आप चिंता मत करो। सच बोल रहा अंदर। दर्जी किधर है? बस दर्जी टेलर एमएलए कहाँ है जानो? मेरे सामने उसका नाम मत ले। हम तुमको जलाने के वास्ते नहीं पूछा, तुम ठंडा लो ठंडा। वो किधर गया होगा? दरवाजे के बाहर ही गया। चलो 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 चलो, तादर चलो। अरे किधर चले गए? काय को किया मेरे साथ ऐसा? 10 साल तक तेरे घर में पोछा लगाया, सिर्फ तेरे लिए मैंने 20-25 दंगे करवाए, किडनैपिंग कराई, और कितने लोगों को काय कंट्रोल। अब वही तो नहीं हो रहा, तुझे पता नहीं है इसने एक बार संडास भी साफ कराया, और
जब बदला चुकाने का वक्त आया तो उस टेलर को एमएलए बना दिया। भगवान या तो मुझे उठा ले या इसको उठा ले, लेकिन ये उठ गया तो मुझे मिनिस्टर तेरा बाप बनाएगा। अरे जल्दी करो, पूरा कोलकाता बर्बाद हो गया, पकड़ो उसको, भागिया तातड़ी। ए, मैं तुझे कौन सी दवा खिला दूं कि तू उठते ही मुझे मिनिस्टर बना दे और फिर मर जाए। अरे मैंने तेरी इतनी सेवा की है जितनी अपने सगे माँ बाप की भी नहीं की। मुझ जैसे मासूम बच्चे की बद्दुआ लगेगी इसको। भाई लगता है डॉक्टर की सैलरी से इसका खर्चा नहीं चलता होगा, इसीलिए पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करता होगा। डॉक्टर कम मॉडल लग रहा है। सॉरी सर, 10 मिनट हुआ अलविदा लिए। इनसे बात करने के लिए अब आपको ऊपर जाना होगा। इतनी जल्दी बद्दुआ कैसे लग गई? जल्दी 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 चल 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 लेफ्ट ले सीधा चल। अरे हॉर्न दबा यार मिक्की। हाँ। मेरे ससुर ने एक बार मुझसे बीड़ी मांगी थी और बदले में मैंने उसे उड़ीसा की चुरुट पिला दी थी। हाँ। इसलिए उसने 500 करोड़ का राज एमएलए को बता दिया। ऐसा क्या? आपके ससुर को टपका दे? अरे बुड्ढे का एक पैर कब्र पे, दूसरा केले के छिलके पे। राइट ले राइट ले राइट ले। बाबा तूने माल मारा है क्या? गाड़ी स्लो हो गई, जल्दी ले स्पीड बढ़ा। अरे तातड़ी को माँ काली, ये 500 करोड़ मर गया क्या जिंदा है? देखता हूँ, टपक गया है। आपकी काली जबान ने इसे बिना वीजा के ऊपर पहुंचा डाला। बातें करो बोल बिना, एकदम चुप करो, था कस के एक टमाटर बजाबो। ये मर नहीं सकता, ये हमारा 500 करोड़ है। ये मर गया क्या? अगर ये मर गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। टेलर तो जी जिंदा है, सांसें चल रही है। काली माने सुन ली, 500 करोड़ का चेक बेहोश पड़ा है, उठा के इसको हॉस्पिटल में डाल दो, जल्दी कैश हो जाएगा। चल चल उठा, हाथ लगा उठा। किस मनहूस मूरत में सदाशिवम के घर में कदम रखा, उसने मारा 4 और गिना 1। रिश्वत आर से शुरू होती है, रा से वो ही भूल गया हूँ। पीठ पे ऐसा डिजाइन बनाया कि खुद ही नहीं देख सकते। अरे रंगोली से नफरत हो गई है भाई। आदमी होने के बावजूद भी बैकलेस ड्रेस पहना दिया। उसके पट्टों से ज्यादा उसके शब्दों की मार लगी जब उसने मुझसे पूछा, सीने के बाल में उंगली पिरो कर, पुष्पा का पति तू ही है ना? तो लागी गयो। एमएलए सत्यम शिवम से मिला नहीं, इसका मतलब पैसे उसने लिए ही नहीं, तो ये 10 लाख रुपए गए किधर बे? यहाँ मेरे तलाक के वांदे हो गए और तुझे 10 लाख रुपए की पड़ी है। केजी के बच्चे से लेके डीजीपी तक सब पुष्पा का गाना सुन चुके हैं, एक मैं ही उसकी धुन पे नाच नहीं पाया। अबे मैं तो जबान दे चुका हूँ कि सत्यम शिवम से मिला दूंगा, अब डीजीपी कहाँ से पैदा करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अबे कल्पेश उसके सामने सच की उल्टी कर दूं क्या? तेरे गन्ने का रस निकाल देगी, देख क्या रहा है। ये जितना भी लोचा लबाचा हुआ है ना, उसका जिम्मेदार तू है। अबे वो हॉस्पिटल आ रही है या तूने बोला था? शांति रखने, एक दूसरे की उंगली करके फायदा नहीं है। 10 लाख का बंदोबस्त कर या डीजीपी को लेकर आ। एक रायता तड़का मार के झींगा फ्राई लाऊं सब? अबे आ कौन छे? भाड़े का डीजीपी। आइए आइए। जैसे कृष्ण से। ओके ओके। अपनी माँ की कसम खा के एक बात सच्ची सच्ची बता मुझे। तबंग का आमिर लगता हूँ ना? अबे तबंग में तो शाहरुख था। एक अंदर की बात। बाहर निकालो। याद रहे अगर 2500 से एक फूटी कौड़ी भी कम कर दी ना तो डीजीपी की बजाय कांस्टेबल बन जाऊंगा। लेकिन इस भाड़े के कपड़े पे चाय पानी मत गिराना, नहीं तो 2500 से 2000 काट के सिर्फ 500 रुपए। नहीं गिराऊंगा, मैं तो चाय ही नहीं पीऊंगा यार। सर 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 दे दो। अरे क्या कर रहे हो? 10 मिनट बाद तुम लोग अंदर आ जाना, ठीक है? रुक जा बे। आई ये कौन है? देखा हो लगता है भूतनी के, यही तो एमएलए है। अब ध्यान से बात सुन, लड़की को बोल देना कि उसकी नौकरी डिपार्टमेंट में पक्की हो गई है। अगर वेटर चाले किए ना। डोंट वरी, मैं अभी दबंग के कैरेक्टर में हूँ। बोलो क्या लाने का? वेटर ऑर्डर नहीं लेना है। ए लड़के, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। सर मैंने नर्स का कोर्स किया है, पुलिस की जॉब कैसे करूँ? बस कर पगली रुलाई की क्या? बेंजी आप बाहर जाइए। सामूहिक नौकरियां बांट रही है। ओके सर। वो लड़की नहीं है क्या? मुझे क्या पता इसकी गोची? क्या गोची किया ना तो 2500 तुझसे लेंगे। पेन अरे तड़ी में सीधे पेन।
आओ, ये है खड़ा कानून और ये लेटी हुई राजनीति। ये सोनोग्राफी इसकी है। डीला स्कैन रिपोर्ट की। ये एक्सरे सर, एक्सरे। रिपोर्ट से लगता है इनके पैर में मोच है। पैर में नहीं, ओब्लंगाटा में आई है मोच। ओब्लंगाटा, इसमें मेरा क्या काम? सर इज वेरी फनी। वेरी इज फनी सर, इन्होंने 10 लाख दिए थे। नमस्ते सर। ये इनका पर्सनल। नमस्ते जी। प्रेम ने तुम्हारे लिए बहुत तकलीफें उठाई, इतनी तकलीफें उठाई कि तकलीफ के वजन से खुद इसका वजन कम हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी पक्की अनुराधा। मेरा नाम अर्चना है सर। माने नाम में क्या रखना है अर्चना? नौकरी पक्की है। मुझे आप पर भरोसा है मलाई मार के। बड़ा महक रहे हो, कल क्या शकीला के साथ टकी लगी? डॉगी से भी तेज नाक है आप। 25 साल से ऑर्डर ले रहा हूँ। खुशबू पहचानता हूँ। वो क्या है, जज ऑर्डर ऑर्डर बोलता है ना, वो सब 25 साल से यही ले रहे हैं। ऐसे ही डीजी भी थोड़ी बन गए। सर अब जाने का वक्त आ गया। आपकी मीटिंग है, जाओ जाओ। नर्स, क्या काम है सर? ये कहाँ रखूँ? चलो चलो, ठीक है मैं रख देता हूँ। ठीक है। सर मुझे अपना नंबर दो ना। मेरे पास फोन नहीं है, इसका नंबर ले लो। गाड़ी सीधे ढाबे पे ले। थैंक यू। थैंक यू नहीं, आई लव यू बोलते हैं पगली। एंगेजमेंट होने के बाद तो तुम और भी खूबसूरत लगने लगी हो। क्या सर, अच्छा मजाक कर लेते हैं। नर्स को घुट्टी पिला रहे, सेटिंग कर रहे। हेलो, क्या? हेलो, आवाज नीचे कर। एमएलए को एडमिट हुए 15 दिन हो गए, उसे टाका लगाने के बजाय तू नर्स को टाका लगा रहा है। कैसा डॉक्टर है तू? देखिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान के हाथ में। पगार तू लेता है, काम भगवान करेगा? हर डॉक्टर बोलते सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसोन, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, एमएलए को होश में लेके आ। भले ही 499 करोड़ खर्च हो जाए, चलेगा। तू ही तोर मुख बंद रहा। 1 करोड़ तो बचेगा। छतर माता, अबे चुप कर। ए डॉक्टर, तू होम्योपैथी कर या आयुर्वेदिक, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 दिन के अंदर फिट होके एमएलए असेंबली पहुंचना चाहिए। अगर वो असेंबली नहीं पहुंचा तो तू ऊपर पहुंचेगा। चल रे, तू लग जा अपने काम पे। कस्टमर धूप में खड़ा, और तू व्हाट्सएप व्हाट्सएप फेर रही है। होली पर कपड़े दो तो ये दिवाली पर कपड़े देता है। अरे मैं पहले आया ना। बोले ने, अरे घासलेट की लाइन लगी है जो पहले लेगा। अरे क्यों उधम मचा रखी है, पुष्पा ने कुछ किया क्या? पुष्पा का तो दुनिया भर को पता है, ये तेरा मामला है, मुसीबत आने वाली है। अबे किधर आने वाली है? अरे आज पुलिस भर्ती का रिजल्ट है। ढाबे वाली बापू के साथ लिदल देखने गई है। रिजल्ट देखने गई है, पोल खुलने वाली है, जल्दी से दुकान बंद करके भागना पड़ेगा। नीचे करने भाई। अरे आ रहे हम लोग। अच्छा चल। अरे नहीं मरेगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे शादी में जाना है। पहले मेरे कपड़े दो, फिर जहाँ भागना है भागो। भागी तो रहा हूँ, 6 महीने में दे दूंगा। मैं क्या पहन के जाऊँ? टी शर्ट पहनने भाई। क्या मुंह लटका के बैठा है, गर्म हो रही है, पी ले। ए बका, इतना तो गुंडे लोग पुलिस से भी नहीं डरते। मामला ठंडा होने तक यहाँ पे दरिया किनारे ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। जैसे ही एमएलए को होश आएगा, उनसे 10 लाख लेके ढाबे वाली के मुंह पे मार देंगे। बात वो नहीं है बे, जब उसे रिजल्ट में नाम नहीं दिखेगा तो क्या गुजरेगी बेचारी पे? आज ये नशा चढ़ने नहीं देगा। मेरे प्यार की पिपरी बच गई यार। बका, पता था तेरा मूड ऑफ होगा, इसलिए चीयर्स के साथ चीयर्स गर्ल्स भी है। क्या चीयर गर्ल्स? ये कल्पेश, ए नाचो ये डिस्को, ये हेलो हेलो। अर्चना आ रही है। उसने गूगल सर्च में डाला होगा बिगेस्ट फ्रॉड और हमको ढूंढ निकाला। ये पैसे बाद में देंगे, तुम जाओ दूसरी जगह नाचो ने। अबे यार बहुत गुस्से में लग रही है। मैं देर के भी नहीं भाग सकता, आज तुम मर ही गए हो। भारत माता की जय। डांस को ब्रेक क्यों किया? ये ब्रेक डांस है, ब्रेक कर करके ही करते, इसलिए। तो तुम लोग यहाँ पार्टी मना रहे हो मेरी बेटी की जिंदगी में रायता फैला के? लड्डू ठूस दूंगा मुंह में। अंकल, एमएलए साहब गए थे पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो मारने से पहले कैसे मरी क्यों? लाठी के बजाय लड्डू। पुलिस की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और अपने शहर में मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब नौकरी मिल गई? तुमने मुझे नौकरी दिलाकर मुझ पर एहसान किया, थैंक यू। मेरी दुआ है कि तुम्हें अच्छी गर्लफ्रेंड मिले। गर्लफ्रेंड तो यही है ना, इसीलिए हम ब्रेक डांस कर रहे थे। डीजीपी ने सुबह ही हमें व्हाट्सएप कर दिया। सच्ची? हाँ, मुझे चीयर्स गर्ल्स के स्पॉन्सर भी वही थे, खाया पिया नाचे जलसा किया, मजा आ गई। थैंक यू। अभिनंदन। बोलो सब इंस्पेक्टर अर्चना की जय।
अरे क्या हाथ लगाने के लिए थैंक यू बोलती रहती हो। खुश बधाई हो मैडम। थैंक यू बसंत। ये लीजिए कल्पेश। अबे अपने को तो पता ही नहीं है इसको नौकरी कैसे मिल गई। बका, कैसे मिली वो जरूरी नहीं है। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जॉब तूने दिलवाई है तो लगने देने भाई। अबे लेकिन कभी पता चल गया तो? अरे ढीला, पता चलने से पहले उसके गले में मंगलसूत्र डाल देने, बच्चों का इतना लोड डाल दे कि सोच ही नहीं पावे। भाई तेरा हो गया, मेरा मैटर सॉल्व नहीं होगा। MLA तो कुंभकर्ण की तरह सोया है, पता नहीं होश में कब आएगा। पुष्पा नाम के कांटे को अर्चना से निकलवाऊंगा। हां निकलवा लियो। सब्जी मंडी रोड पे काहे को लगी है? ये रोड किसी के बाप का नहीं है, सरकार का है। मैडम ये लोग सुनने वाले नहीं है। पाटिल गाड़ी रोक तो। आंटी क्या चल रहा है ये सब? अरे तू पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं इधर इस धंधा कर रही लिए। अब जो मैं बोल रही हूँ वो कान खोल के सुन। अगर कल से ये छपरी रोड पर दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब सूरज डूबने से पहले क्लीन हो जाना चाहिए। ले बेटा पास के होटल में जाके कुछ ठंडा वंडा पी ले। क्या? सोच मत, रख ले, कोई नहीं देख रहा। वो दुकान वाला ना वीडियो बनाता है, अभी नहीं है इसलिए दे रही हो। इसको भेजना, अगली बार दे देंगे। तुम पुलिस वाली को रिश्वत दे रही हो? पुलिस वालों के लिए रिश्वत कौन सी नई बात है? आपने भी तो अपनी जॉब के लिए 10 लाख दी है। क्या बोला बे? मैडम मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं। कॉलर छोड़ उसका, पुलिस वाली है तो क्या हुआ? तू रिश्वत दे के जॉब ले सकती है, हम रिश्वत दे के धंधा नहीं कर सकते। जा रे, दूसरे की गिरिबान में झांकने से पहले अपना देखने का। कल्पेश मुझे सही टाइम लग रही है कि थक से जाओ और भक्त से बोल दूं कि बहुत प्यार करता हूं, शादी कर ले, बहुत मजा आएगा। सही बोल रही हूं ना? 4 साल में 8 बच्चे ऐसे हट्टे कट्टे की कबड्डी खेल के मेडल लाए। एक और बात हो, आई लव यू बोलना मिथुन गोविंदा की तरह। मिथुन गोविंदा तो इधर उतारने भाई। यहाँ पे क्यों? इधर बाटली की दुकान है। अच्छा फोन कर लियो, धंधे की बात करके ही फोन करूंगा। और हाँ लव यू बोलने जा रहे ना, मेरा आशीर्वाद लेके जा। एक मिनट, ये प्यार का मंत्र मुझे कासाराम ने सिखाया है। एक मिनट, अंतर मंत्र तंत्र अड़कम दड़कम दोम दड़ाका लेतर फेतर समरू ढाड़ू पूर पूर धत्तू राणू अर्चना आ रिया हूं। ये क्या बोल रही हो? रिजाइन करोगी? पागल हो गई हो क्या? रिजाइन दिए बिना मुझे चैन नहीं आएगा आरती। यकीन नहीं हो रहा है, नौकरी दिलाने के लिए बाबा ने 10 लाख रुपए रिश्वत दी। सड़क पर चलने वाला हर इंसान मुझे इस बात के ताने दे रहा है। वर्दी की मान मर्यादा मेरे लिए सब कुछ है, इसके लिए जान भी दे दूंगी। मैं एसपी के पास जा रही हूँ। एसपी सर डीजीपी सत्यम शिवम के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। डीजीपी सत्यम शिवम यहाँ आए हुए हैं? यस मैम। करेक्ट टाइमिंग है, आज तो मैं रिजाइन देकर ही रहूंगी। उसके बाद उस प्रेम के बच्चे भोपाली का मैं सूरमा बनाऊंगी। हेलो प्रेम। सलाम। क्या भाई प्रेम, कौन है लोग? रंगाड़ी है, तुम्हारे सब इंस्पेक्टर से रंगीन बातें करने से पहले थाने को रंगीन बनाने वाला हूँ। तू उधर गुलाबी थोप और तू उधर पिंक, चल जल्दी जा। रुक, तेरे को रूल नहीं पता क्या? क्या हुआ? सारे पुलिस स्टेशन का एक ही रंग होता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसा क्या? हाँ ये तो गलत है। नहीं सही है। कोई नहीं, अपने MLA साहब मिनिस्टर तो बनने ही वाले। वो तो है, उनसे कहूंगा HD का जमाना है, थाना क्यों पीछे रहे। तू कलर बदली करवाएगा? अच्छा ठीक है, जाओ सफेद काली पट्टियां बनाओ। रंग बचे तो मेरा घर भी पोत देना। प्रेमा कहाँ गई मेरी प्रियतमा? SP ऑफिस में। इसने कहा तुम्हें रिश्वत के बदले नौकरी मिली है, बल्कि मिली है तुम्हारी ईमानदारी और काबिलियत की वजह से। तुम्हें लगता है ये नौकरी तुम्हें रिश्वत या किसी सिफारिश की वजह से मिली है? ऐसा नहीं है। जानती हो मेरिट कैंडिडेट्स की लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर था। ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। उन्हें पकड़कर 3rd degree का टॉर्चर दो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। अच्छा तो उस दर्जी ने मुझे बेवकूफ बनाया, उसकी तो मैं धज्जियां उड़ाती रहूंगी। हेलो, एहसान फरामोश, जिसने एहसान किया उसी का फोन नहीं उठा रही। आजा बात करनी तुझसे। तेरे दीदार को तो मैं अभी बेकरार हूँ, कहाँ है जानू? तेरे थाने में हूँ। एकदम सही ठिकाने पर हो, उससे वहीं तो मिलना था। वहीं रुक, अभी आती हूँ। अच्छा नौकरी दिलाई है इसलिए गिफ्ट विफ्ट मत लाना, खाली हाथ ही आ जाइयो। अबे गिफ्ट तो ऐसा दूंगी जिंदगी भर याद रखेगा। आ रही हूँ बे, फुल चार्ज हूँ मैं, आके तुझे भी चार्ज करती हूँ। अपना पावर बैंक आ रहा है। अंडे
अपनी जाने ले ली है तूने। पुलिस है तो क्या खुद को भगवान समझेगा? ये अंडे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से निकले। मैडम तेरे अंडे के पैसे देने के लिए तैयार है। पेमेंट डॉलर में होगा। पता करता हूँ आज डॉलर का भाव क्या चल रहा है। सुन लो, पेमेंट कैश में होगा क्योंकि मेरा अकाउंट ही नहीं है। तुम्हें पुलिस की नौकरी मिल गई, मुबारक हो। अभी किधर भाग रही है? सिर्फ 10 लाख में नौकरी दिलवाई, इतने सस्ते में कोई और काम करके नहीं देता। क्या बात है? बात वही पुरानी है, नई रेसिपी बनानी है और मिलके दोनों को खानी है, पर इन फाइलों के बीच खाने में क्या मजा आएगा, इसलिए यहाँ से कहीं दूर चलते। अच्छा। सरकारी पेट्रोल जहाँ तक चलेगा वहाँ तक चलेंगे, नहीं तो उतर के ट्रक वाले से लिफ्ट मांग कर आगे चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अबे 4 दिन हुआ पुलिस की नौकरी दिलवा के और आतंकवादी पर छापा मार दिया। शाबाश झांसी की रानी, पर कद काठी से मुझे तो यह आतंकवादी नहीं लग रही है, कच्चे से प्लेटें पोंछने वाला वेटर लग रही है। खैर इसकी फाइल तो खुल गई, अपनी फाइल कब खुलेगी? ये बता, डीजीपी जॉब देने के लिए कितनी रिश्वत लेते? क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही नॉलेज बढ़ा रही हूँ। दूसरों से तो 20-25 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लेते, पर मुझसे 10 लाख ओनली। ये सब पूछ के किसी और को नौकरी तो नहीं दिलानी? सॉरी, हाउस फुल है। क्यों? क्या अब उसने कसम खा ली है रिश्वत नहीं लेगा? लेते तो पहले भी नहीं थे, वो तो मैंने जोर डाला। तुम्हारे लिए पैर पकड़ लिया मैंने, उसके पैर का अंगूठा चूसने वाला था पर उसने पहले ही हाँ बोल दिया। तुम्हारे लिए झुक गया और किसी के लिए नहीं झुक। मैं अंडों पे मुर्गी बिठाने जा रहा था कि इन्होंने मुझे पकड़ के बिठा लिया। इस थोबड़े को पहले कहीं देखा है? सारे पत्ते खुल गए। दिखने में डीजीपी का हमशक्ल लग रहा है, कदम में थोड़ा छोटा है। यहाँ नेटवर्क टावर नहीं आ रही है, टावर के पास जाके बात करके आता हूँ। तेरे लंगोटी का फोन है ना? स्पीकर पे रख के बात कर। सुथायु बका, प्यार की पहाड़ी चढ़ा या प्यार की खाई में गिरा, सकल से गई गुजरी होती तो वांधा नहीं, अरे वो तो अकल से भी पैदल है भाई। वो खुद को लेडी दबंग समझ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। उसकी दबंगाई को दबाने के लिए उसी की जेल में प्यार का धागा तीनों गड़ल, होट पे होट का ताला लगा के पुरानी फाइल बंद करके नई खोल डालना भाई। एक बात बताओ बका, अगर उस गोरी गधी को कोई गधा भी नौकरी दिलाता ना तो वो उसके साथ भी शादी कर लेती। अबे कल्पेश चुप, बोलने दे। सॉरी सॉरी भाई, ये तेरे घर की बात है। अच्छा वो दारू वाले से बात हो गई है, अर्चना के नाम पे वो 25,000 का हफ्ता देने को राजी हो गया है। रिश्वत? वो रतन भाई मटका याद छे, वो भी अर्चना के नाम पे प्रॉफिट का 10% देने को तैयार है, और दारू के ठेकों को खोलने का रात भर का परमिशन 5 लाख में दे डाला भाई, और मुन्नी भाई को कोठा चलाने का लाइफ टाइम का लाइसेंस दिलवा दिया है 7 लाख में, और हाँ थोड़ी मेहनत करेंगे तो महीने का एवरेज 25 लाख का हो जाएगा भाई। एक काम कर बका, अर्चना का नाम बदल के लक्ष्मी रख। इतनी कमाई हो रही हो तो 10% अर्चना के मुंह पे मारेंगे। मुझे हफ्ता देगा? चल बुलाओ उसे। उसकी क्या जरूरत है, वो अर्जेंट है। कल्पेश है, पुलिस स्टेशन आ जा, वहीं पर हफ्ता बांध लेंगे। इसको बोलते हैं धंधे की बात, उससे बात कर लेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, आइया के मुँह भोचे। हाँ तो बक्का, उससे तेरी बात हो गई? उसे प्रॉफिट में से टका चाहिए या फिक्स चाहिए, बैठ कर बात कर लेते ना। चल चल, अच्छे से पप्पी किया ना भाई। लेट जल्स। नमस्ते भाभी जी, मिल के धंधा करेंगे तो 10 लाख 10 महीने में रिकवर हो जाएगा। मम्मी ए बका, मुझ पर तेरी अर्चना ने हाथ उठाया और तू गोगल पहन के खड़ा है। डीजीपी को बोल के अभी इसको सस्पेंड करवाता हूँ। ये ले, मैं डायल करके देता हूँ, तू खुद ही डीजीपी से बात कर। बकी आ तो तू गई शौक से, पुलिस बनी गई तो शरीफ आदमी को लाफा मारा। इनी मासी ने ये फोन क्यों काटा? डीजीपी 3G के साथ मीटिंग कर रहे हैं आज, ये तो तू गई। दिखा ना फिर से लगा फोन। देखना है, दिखाता हूँ। अच्छा हाँ दिखाड़ू हमना, आज तेरी नौकरी का लास्ट दिन है, एंजॉय करी ले। ओह देखते इनी मासी ने आवाज यहाँ तक आ रही है। ये मम्मी, ये खमन ढोकला इधर ही है, यही है। पता था तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से पकड़े जाएंगे। क्या बे? वो रिक्शा वाले को पैसे दे के आता हूँ। क्या मर्द शोषण, कितना मार रही हो उसको, क्या बात है, मुझसे बात करो। हाँ मेरे 10 लाख रुपए कहाँ है? मेरी जेब में। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं पैसे को पाव लगे होते हैं, चले गए होंगे कहीं। अगर 24 घंटे के अंदर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो तुम दोनों को सड़क पे नंगा करके दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारूंगी। हेलो क्या एमएलए जाग गए? आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये कल्पेश, बोल, अबे कल्पेश, एमएलए को होश आ गया।
मतलब हमारे 10 लाख रुपए जाग गए। होश में आने से उसकी आंखें खुली और हमारी किस्मत खुल गई। मेरे गले पड़ेगा। मम्मी, कब से चिकने बर्तन की तरह धोए जा रही है, मदद करने का ये सिला दे रही है। 60 मिनट में आ रहा हूँ, 10 लाख का चिल्लर दूंगा जिंदगी भर गिनते रहना। मेरे प्यार का गलत फायदा उठाना चाहती है, ढोकले को ठेपला बना दिया। तू बस कहीं जाना नहीं, आ रहा हूँ मैं। चले रुक बे। जब तक पैसे नहीं मिलते ये यहीं रुकेगा। अभी ऐसा मत करो, मेरे बिना जाएगा ना ये, तो पैसे नहीं मिलेंगे। तड़ी मेरे, गारंटी चाहिए ना। जिगरे दोस्त को रख लो, जान से प्यारा है हमको। ठीक है, ख्याल रखना अपना। चलो अरे मुझे तो बताओ। चल अंदर, पुलिस बनने का बहुत शौक है ना। ए बका, ए जल्दी आ जा। अरे वाह, तुम फिर से होश में आ गए मेरी तलाक करवाने के लिए। ए मेले भाई, ए तुम्हारी चोट कैसी है, ठीक है ना? मैंने चर्च से लेके मंदिर तक, मस्जिद से लेके गुरुद्वारे तक, हर जगह माथा टेका और सारे पेपर बनवा लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब पुष्पा को जानते हैं और मेरा मगज चाटते हैं। एमएलए भाई, जब से वो मेरे घर आई है मैं घर से आउट हो गया हूँ और अनजान लोग मेरे घर में इन आउट होते हैं। देखा, आपको भी मेरी हालत पे तरस आया। अरे मैं कार्टून देख रहा हूँ। मासी ने टीवी बंद करो ने यार, बोलो। मोती चूर के लड्डू। भारत दर्शन क्या करा रही है, मतलब की बात करना। एमएलए भाई, पुष्पा मेरे घर में कुंडली मार के बैठी है। पुष्पा कौन है? पुष्पा, पुष्पा कौन है? दुनिया में एक आदमी तो है जो पुष्पा को नहीं जानता। ये बात जानकर मेरा दिल, ए बका, जलेबी फाफड़ा हो गया। ए बका, ये मेरी नहीं समझ रहा, तू समझा। अबे तू बहुत घुमा कर पूछ रहा था, अब देख सीधे पूछता हूँ मैं। पठानी भाई, वो अर्चना की नौकरी के 10 लाख रुपए कहाँ पे रखे भाई? अभी अल्तना कौन है? अरे वो ढाबे वाले की बेटी। अंकल दिखता मत लो ना। मिच्छे बड़े अर्मी जी अंकल बोल रहे। डॉक्टर कह रहा था इनके दिमाग की कोई नस कोमा में चली गई है। अरे मोटी आंटी, यहाँ से जाओ ना तुम। आंटी, मला आंटी बोला रे, काय करू मी आता। यहाँ हमारी जान के लाले पड़े हैं और इसको लॉलीपॉप चूसना है, लॉलीपॉप। अरे आधी रात को लोग फोन कर करके मुझसे पुष्पा की बुकिंग मांगते हैं तेरी वजह से। जो मैं बताने वाला हूँ उससे हो सकता है आपको झटका लगे। एमएलए साहब का दिमाग एक 10 साल के बच्चे जैसा हो गया है। ये सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? पर ऐसे कैसे हो सकता है? सर पर चोट लगने की वजह से उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। लाखों में से एक केस ऐसा होता है। उनकी याददाश्त आने में 40 साल लग सकते हैं। मतलब 40 साल तक मेरा तलाक पुष्पा से नहीं होगा? अब पड़ गई ना कलेजे में ठंडक, सब छोड़ के अहमदाबाद चला जाऊं? ये बचपन से बचपन में कब आएंगे डॉक्टर? अभी कुछ बोल नहीं सकते, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, आप धीरज रखिए। डॉक्टर आयुर्वेदिक फॉर्म में उसे ठीक कर सकते हैं ना? घर जाते वक्त मुझे किसी आश्रम में छोड़ के जाना भाई। ये क्या बोल रहे हैं आप एमएलए साहब की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, एलोपैथी और आयुर्वेदिक को मिला रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो उनकी उम्र 3-4 साल की हो जाएगी और उनको केजी में डालना पड़ेगा। मुझे झबले में डाल के पार्सल कर डालो। निंदा थोड़ी मेरा फेवरेट चुन ली। विकी, एक बात बता, ड्रिंक करने वाला आदमी अचानक लॉलीपॉप क्यों चूस रहा है? इसके दिमाग की वारी शॉर्ट हो गई है, इसलिए इसका दवा दारू लॉलीपॉप में दादा। अच्छा अच्छा अच्छा। डूम डूम। कैसा है दर्जी? कैसा दिख रहा हूँ? ओए, इसका हाल पूछना है क्या? कोमा की वार्ड की निगरानी भगवान खुद करते हैं। बाबा दर्जी, लॉलीपॉप नहीं चाहिए, तुम चूसो। मेरा ससुर तुमको क्या बोला? ए बेटा की बोल रहे, आप स्कूल नहीं गए क्या? इंग्लिश में शारी बोल। मैं स्कूल नहीं गया ये पता चला, लेकिन इसने क्या बोला अभी तक वो पता नहीं चल पाया। दादा इसके दिमाग में बहुत फाइलें, अपनी फाइल नीचे दब गई लिए, वो फाइल ऊपर लानी पड़ेगी। ऊपर 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 ऊपर, इसको डिटेल में पूछना बुढ़ा क्या बोला। आपको दिमाग ज्यादा है, आप पूछो। ठीक है, हम चेष्टा करते हैं। दोरजी बाबा, मेरे शोशुर ने जो बोला वो डिटेल में मुझे कागज पे लिख के दो। मैं कागज पे लिख के दूंगा। थैंगा बारा नीचे, नहीं तो 500 करोड़ गए। शोन बाबा, मेरी पत्नी का बाप क्या बोला? मेरे पापा गए थे दिल्ली, दिल्ली से लाए बच्चे, बच्चे कितने सच्चे। सुपर, इसी का रिलीज बना दो दादा, 500 करोड़ ऐसी जा जाएगी। मुंह बंद कर, इसके घटिया गाने पे मैं रिमिक्स बनाऊंगा, फिर तू बोलेगा रिमिक्स पे रिमिक्स बना, मतलब मैं हावड़ा ब्रिज पे भीख मांगा। ठीक, चुप कर दर्जी, कथा सुन। आमी बहुत टेढ़ा आदमी है। तेरा है पर मेरा है चुर चुरे।
मेरे साथ कॉमेडी कॉमेडी खेल रहा है। I'm a lollipop boy. दादा, इसका ध्यान सवाल पे नहीं, लॉलीपॉप चाटते हुए। इसके हाथ से लॉलीपॉप छीन ले। दे बे। अच्छा हुआ उसने कान काटा। कान दो होता है, कम से कम एक कान से तो सुन तो सकता है। हे, उसके सर पे चोट लगने से वो पागल तो नहीं हो गया? इसके परदादा साइड एक्टर थे, इसलिए पागल बन के एक्टिंग करके हमारा सीरियल बना रहा है। एक्टिंग खेल रहा है। हे, यहाँ उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते। आज रात को किडनैप कर लेते हैं। चलो। उसने क्या बोला था? मुझे नल बाजार से चीरा बाजार तक घसीटते ले जाएगी। और इस 10 साल के एमएलए ने मेरे कान को तरखाए। आंसू चले थे। मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ। एक धातु आइडिया है, तुम दोनों बुरखा खरीद लो और उसको पहन के घूमो, कोई भी पहचान नहीं पाएगा। सही बोला। हाँ। लेकिन वो डाकू निंजा वाला बनाना, तुम दुनिया को देखो लेकिन दुनिया तुमको नहीं देखे, ऐसे ही चल रहा है। हम क्यों मुंह छुपाएं? वो पुलिस वाली तो क्या डर के बैठेंगे? तो क्या करके लेगी, हमारा क्या बिगाड़ लेगी? अबे कल्पेश, हम क्या किसी से कम है? बराबर छे। सुनो मित्रों, हम बहादुर हैं, उससे डट कर लड़ेंगे। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम पाकिस्तान के जंगल में जाओ। मेरे तो बैठने की जगह पे ढेर सारे डंडे पड़े, एक एक का हिसाब लूंगा। हम दोनों मिलके उसको सुधारेंगे, लाइन पे लाएंगे। ए कल्पेश, पुलिस, भागो, छुप छुप जल्दी। ए मम्मी, ए पापा, एनी मासी ने आ तो एम्बुलेंस छे। हंसी के ठहाके क्यों मार रहे हो? एम्बुलेंस के आने से तो लोग ठीक होते हैं, तुम लोग को तो अटैक आ गया। समडल चलो रे, आवाज नहीं करने का। सुन कोमड़ी में काम करने का, तुम लोगों को पता है कोमड़ी कौन सी उठाने को आई ले? एमएलए को। शाबाश, तू पास। सीधे उसके रूम में पहुंच जाने का, उसको उठाने के बाद मैं लेटूंगा। स्ट्रेचर को सीधा एम्बुलेंस पे ले जाना और फिर एम्बुलेंस को बॉस के अड्डे पे, मैं बाद में भागूंगा, समझ गया? जब एमएलए को हम लोग उठा लेंगे तो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं भागते? अबे फालतू के सवाल मत पूछ बे, मैं साथ आऊंगा ना तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि एमएलए गायब हो गया है ना। 250 ग्राम का है, पर क्या भेजा? तू फ्राई मत कर, चलो रे। ये चल चलो स्प्रे मार। हाँ ठीक है। चल उठा, काम तमाम। चेहरा छुपा, चेहरा छुपा, निकाल इसको। अपना ख्याल रखना। तेरी फिकर बिल्कुल मत कर, चल पतली गली से निकल। आपको कहीं पतली नली ना लग जाए, तो अपना ध्यान रखना। मैंने नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ, ये कल सुबह से पहले उठेंगे। नहीं नहीं, कैसा डॉक्टर है? किसको किधर इंजेक्शन देने का पहले चेक करने का कि नहीं? हाँ, इंजेक्शन मेरे को लगा और चीख ये पड़ी, पढ़ाई तो पूरी करके आ। ए, वार्ड नंबर 26 में घुस, 26 में घुस। स्ट्रेचर यहाँ कौन छोड़ के गया? पता नहीं सर। ट्रॉली कहाँ गई? हाँ, ये रही, ये रही। बस झंडे गाड़ दिए। अच्छा, की बोलचीस रे दादा? आय कोला कोली कोरी, अमर बोंचू, अमर पोंचू, अमर नोंचू, अमर घंटा, अमर ट्रॉली आने दे। उठ जा ओए काला अफ्रीकन हाथी, 4 ब्लाउज सिलने, जल्दी उठ। पैसा अकेले हड़पेगा? तेरे को लगा मैं बोका हूँ? आमीन ओए दादा, तू ही बोका। गाधार बच्चा बो। बस इसने मास्क पहन लिया है। और तूने जो बेवकूफी का मास्क पहना उसे मैं उतार फेंकूंगा। रुक जा। मम्मा
संभल कर। एक मिनट। गंदो छोकरे। इन्हें एक हफ्ता और रहने देते, ये ठीक नहीं हुए अभी। ए डॉक्टर, तुमको उम्मीद की किरण दिखती नहीं तो इनका बिल क्यों बढ़ा रहे हो? पहले ही 10 साल का बच्चा बना दिया है और रखेंगे तो 1 साल का बना दोगे और फिर भाभी जी झुंझुनू नहीं लाएगी। बात को समझो डॉक्टर, कोई इनको किडनैप करना चाहता है ये बात तो तुम भी जानते हो। अरे क्या करो पड़ानी भाई, डॉक्टर है, इनके जाने में भलाई है, बहुत खतरा है इनको यहाँ पे। इतना आसान नहीं है डॉक्टर, मैं हैंडल विद केयर कर लूंगी, मैं इनको नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, सुलाऊंगी, सब कुछ कर लूंगी, खाली दे दो बस। मंजूरी दे दो डॉक्टर। देखिए मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब आप लोगों की मर्जी। फिक्र मत करो, ख्याल रखेंगे। क्या कर रहे हो, इंजेक्शन मार देंगे। आप इनको ले जाके बाहर खड़ी हो जाओ, मैं बिल बिल सुलटा के अभी आता हूँ बस। तब तक मैं दूध की बाटली तैयार कर रही हूँ। पढ़ानी भाई चलो चलो इस तरफ। मैं क्या कर रही है, घर तो इस तरफ है, यहाँ कहाँ जा रही है? मेरे घर जा रहे हैं। क्यों पैर फेरने? अपना तलाक करवाऊंगा। पुष्पा ने कहा था एमएलए का सुंदर मुखड़ा देखने के बाद ही वो तलाक देगी। अबे हालत तो देख, बेचारा क्या बोलेगा। बोलेगा, इसका पप्पा भी बोलेगा, ए बेटा एमएलए यस अंकल, लॉलीपॉप चूसेगा कि नहीं चूसेगा? हाँ चूसूंगा। बोलो पुष्पा को क्या बोलोगे? पुष्पा बताओ, तुम्हें शादी में फ्री की खटिया चाहिए थी ना, तो क्या तुम कल्पेश की जिंदगी की खटिया खड़ी कर दोगी? डिवोर्स पेपर पे साइन करके कल्पेश को मुक्ति दे दो और तखलिया ले लो, ये एमएलए का ऑर्डर है। सारू अतरे, वाह भांगी ना को तोड़ी ना। कल्पेश क्या सिखाया वे? अरे बका, ये तो कुछ भी नहीं है, अर्चना के साथ जो तेरा मैटर अटका हुआ है ना, ये सॉल्व करेगा। सच में? पढ़ाने भाई अर्चना को क्या बोलोगे? अर्चना, मैंने ही प्रेम से पैसे लिए थे, अगले महीने लौटा दूंगा, इसमें कल्पेश की कोई गलती नहीं, ये तुमसे सच्चा लव करता है। कमाल कर दिया भाई, कैसे किया तूने? सिंपल है, चॉकलेट दिखा के इसको डायलॉग याद करवा दिए। ये झिंगुर रिवर्स में जी रहा है, वो पुष्पा और अर्चना को पता ही नहीं है, यही अपना प्लस पॉइंट है। अरे एक रात की दुल्हन बाहर निकल, जितनी भीड़ रेलवे स्टेशन पे नहीं होती है उतनी भीड़ तो मेरे घर के अंदर होती है, बाहर निकल। तूने सर्कस में शेर देखे होंगे, मैं असली वाला लेकर आया हूँ, ये शेर दहाड़ता भी है। चली जा यहाँ से। याद है तूने क्या कहा था? एमएलए बोलेंगे तो मैं सुप्रीम तलाक पेपर पे अंगूठा मार के चली जाऊंगी। ले एमएलए साहब आ गए। आइए साहब, नमस्ते। अरे हम सब समझते हैं, दाल में तड़का लगाना, कपड़े सुखाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब तेरे बस का नहीं है, तू बस तबले की थाप पे तगड़ दीना कर सकती है। चल पेपर दे। जिंदगी में पहली बार नेक काम करेगी, ये ले। चल पहन ला। कर ले, तेरे जाते ही मैं गंगा जल की गागर ला के घर की धुलाई करूंगा। 40 दिन का व्रत भी करूंगा रे। ए हट रे, पुष्पा एमएलए साहब जब बोलेंगे तभी साइन करेगी, ऐसी मन्नत मांगी थी ना। ले सामने खड़े, पूछ ले जो पूछना। भाई आपका बहुत दिन से इंतजार कर रही है, डायलॉग का स्टैम्प मारो, मामला खत्म करो। बिना डायलॉग के काम हो रहा है, होने देने भाई बीच में। कैसे कैसे ये डायलॉग सुनेगी, फिर पेन से इंक थूकेगी। बोलो अर्चना, मैंने प्रेम से पैसे लिए थे, अगले महीने लौटा दूंगा, ये तुमसे कुची कुची वाला प्रेम करता है। कुची बदली क्यों कर रही हो? उसके लिए एक और लॉलीपॉप लूंगा। क्या कहा? लॉलीपॉप तू मुझे टॉफी देगी? टॉफी? ए झिंगुर इधर आ, तेरे को क्या लगता है मैं भौचा धक्का से आई? मेरे को शेडी लगाएगा तू? इस पागल का डर दिखा के तलाक लेगा मेरे से? मैं तेरे से बच्चू माफी चिपकी रहेगी। अब सुन, बर्तन हांडा घास और खाना पका, मुझे बस अंडे उबालने आते हैं। बका, क्यों मेरा बसा हुआ घर उजड़ने नहीं दिया? बुड्ढी के बाल वाला, बुड्ढी के बाल, ए बुड्ढी का बाल। एक सेकंड मुंह बंद रखता तो वो साइन करने वाली थी, क्या जरूरत थी? तू मेरा बुरा चाहता है ने? साइन करने में बस 2 सेकंड ही बाकी थे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या मतलब? अर्चना के सामने गड़बड़ होने से बच गई, अब तैयारी के साथ जाएंगे। मेरे सपनों की समाधि पे तू अपने प्यार का महल बनाना चाहता है? सरस बका, तेरे जैसा गद्दार दोस्त पालने से अच्छा है मैं 4 वफादार दुश्मन पालता। कम से कम कंधा तो ये किधर गया वो? कितनी खुशी की बात है कि वो चला गया। क्या खुशी की बात है, 10 लाख का काला धन है, वो कहाँ गया? एक तो 10 साल का बच्चा भी है। अरे जल्दी चल, छोड़ पुष्पा को। लुक जाना, बुड्ढी का बाल चाहिए, लुक जा, आज बुड्ढी का बाल खाके रहूंगा। नमस्ते नमस्ते, आजा तुम भी मेरे साथ, तुम लोग मेरे साथ हो, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, आ जाओ। कैसे मेरे साथ दे रहा है, हमें भी देना चाहिए। चलो आ जाओ, देखता हूँ कौन कौन मेरे साथ है। हम आपके साथ है। अरे आ जा साथ के बच्चे, चला। हाँ नमस्ते, एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूँ उसको लेकर रहता हूँ। चलो आओ, वो देखो सामने जा रहा है, भाग जितना भागने का है मैं छोड़ूंगा नहीं। नमस्ते नमस्ते, आजा, आज तेरी साइकिल तोड़ के रहूंगा, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। नगर फैक्ट्री के मजदूर को इंसाफ दिलाने के लिए एमएलए उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब ये प्रोटेस्ट मोर्चे का रूप ले चुका है, आइए उनकी राय जानते हैं। सर, इस
आंदोलन के पीछे आपकी क्या मांग है बताइए। बुड्ढी के बाल वाला भाग जाएगा। एमएलए साहब ने पूरी जनता और मीडिया को बता दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो उनका मौन व्रत नहीं तोड़ेंगे। ये क्या किया तूने? फैक्ट्री अप्रूवल के लिए 5 करोड़ की डिमांड की और अब एमएलए से ताला लगवाना चाहता है। ओ, क्या बोल रहा है? पी रखी है क्या? मैं पीने वालों की मैयत पर भी नहीं जाता। टीवी ऑन कर। एमएलए जियो यार। चुप। वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अपने आदमी लेकर स्पॉट पे पहुँच, पार्टी बम फेंक के उसके चीथड़े उड़ा दे। उसको मारेंगे हम और बिल फाड़ेंगे फैक्ट्री मालिक के नाम पर। जाओ उसका बैकअप करके आ, निकल। ए, ये देख यहाँ आंदोलन कर रही है। आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आज पलटन लेकर किधर जा रही हो? मुझे वो बुड्ढी का बाल चाहिए। बुड्ढी के बाल? तू ठंड रख, तुझे भी खिलाऊंगा। उस टिकड़म लगा के यहाँ से ले जाना होगा। ये बुड्ढी के बाल खाए बिना मानेगा नहीं। चलना अपने जाइए। पब्लिक के सामने ऐसी हरकतें करेगा तो इसके वोट कम हो जाएंगे। खाने देने भाई। अबे समझ नहीं रही, हम लोग फंस जाएंगे। चुपचाप चलो वरना। Hey, ये क्या चल रहा है? तुम लोगों ने मुझे बोका बनाया कि इसकी याददाश्त चली गई है, पर ये तो आंदोलन कर रहा है। कैसे हुआ ये? बस आपको चिढ़ाने के लिए टीवी पर आया। बस इसे छोड़ दिया तो पैसा लेकर भाग जाएगा। टीवी से निकाल के अब भी मेरे सामने लेके आ। दादा अब भी? वाह पब्लिक है, वहाँ से उतरना रिस्की काम है। मेरे पास एक पानी कम प्लान है जिसका नाम है सुमड़ी में कुमड़ी टू। ये राजमा चावल, अपने बासी आइडिया अपने पास रख, मुझको मत दिया कर। जा उसको उठा के ला। जा, जा। अरे फैक्ट्री मालिक बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। समर कर, समर कर। अरे इसे कैसे छोड़ के भाग जाए इतने लोगों के बीच में? क्या हो रहा है? पड़ाने भाई को डाक। ए मम्मी मरी क्यों? पड़ाने भाई इधर। क्या हो जाए? इस तरफ चल ले यार। बिठाओ बिठाओ रिक्शा बिठाओ। अरे रिक्शा ए पाटिल छोड़ो, एमएलए को लेकर जाओ। अरे जल्दी छोड़ो एमएलए साहब को, हमारी जरूरतों में लेके मत जाओ। तू तो पैसे लेके एक घंटे में आने वाला था ना, और यहाँ शहर में दंगे कर रहा है। देखो पैसा पैसा करती रहती है। मेरे को कुत्ते का बाल। अरे उनके खोपड़ी में बच्चे का दिमाग फिट हो गया। क्या बोल रहा है? कुछ भी बोल रहा है। अपनी जबान को लगाम दे बे। हमें रुका उसको। खुद की जान बचाने के लिए एमएलए को कुछ भी बोल रहा है तू? एक नंबर का धोखेबाज और हावड़ है ये। लेके चलो इसे। अरे जुम्मा जुम्मा 4 दिन हो गया मुझे सिखा रही है। एक मिनट गाड़ी रोकना। हेलो सर। की होया अर्चना? एमएलए पे जानलेवा हमला हुआ है सर, लेकिन हमने उन्हें सेफ जगह पहुंचा दिया है। तुमसे बहुत बड़ी बेवकूफी हुई है। वो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस नहीं थी, नकली एम्बुलेंस थी। इसमें जरूर दुश्मन की चाल है। अगर एमएलए की किडनैपिंग की बात मीडिया तक पहुंच गई तो पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। अगर 24 घंटे के अंदर तुमने एमएलए को नहीं ढूंढा तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक मिनट बाहर आओगे, तुमसे कुछ बात करनी है। अभी एनकाउंटर करेगी क्या? एमएलए को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या बोली? पठानी भाई किडनैप हो गए? तू यकीन करना कब सीखेगी मैं? अब भूल जा अपने 10 लाख। एसपी फूफाए मेरा, नौकरी से निकलवा दूंगा तुझे। ए भाई, फोन ला फोन। एसपी का ही फोन था, उन्होंने ही एमएलए साहब को ढूंढने के लिए बोला है। एमएलए की दुश्मनी किस किस से है ये सिर्फ तुम ही जानते हो। इस केस में तुम मेरी मदद करोगे क्या प्रेम? मदद चाहिए? हाँ। अबे प्रेम के माचिस की काड़ी है के निकाला और खींच दिया, नहीं करता मदद। सर कर दो ना हमारी मदद प्लीज, वो एमएलए हमारा, आपको पुण्य लगेगा सर। इसको बोलते हैं प्रेम? ठीक है, लेकिन मेरा दूसरा नाम प्रेम मतलब ही भी है, इसलिए मेरे कुछ कंडीशंस होंगी। कैसी कंडीशन? अभी सोची थोड़ी है, रास्ते में सोच के बता दूंगा। ठीक है ठीक है। पहले ये हाथ खड़िया तो खोलो मेरी। जो बोलना है तड़ातड़ी बोल। दर्जी आगे लाए, कुछ सिलवाना है क्या? एक पैंट, एक शर्ट, एक कुर्ता, एक धोती। हमारा एक कथा सुन, उस जंगली सांड को एक पालतू बिल्ली बना के छोड़ना है। दादा सुबह सुबह छड़ाई ले क्या? मैं एमएलए की बात कर रहा। अरे हमें जानी पता है बाबा, उसकी जो भी डिमांड है उसका मुंह खोलने से पहले ही पूरी करो। लॉलीपॉप से लेकर चिकन लॉलीपॉप सब दे दो उसको। मैं 1 घंटे में फेशियल करा के आ रहा हूँ। वो वाला दे, बड़ा वाला पीस। मजा आ गया। ओह क्या नुकीली सैंडविच है। ठूस लिया ना, अब दुश्मनों के नाम बता। एमएलए के तो 50,000 दुश्मन है। क्या कहा? 50,000 दुश्मन? सिंपल है, पिछले इलेक्शन में जिन्होंने उनके खिलाफ वोट किए थे उनके दुश्मन ही तो है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग एक एक के घर में जाकर सबकी तलाशी लें। अबे तुझे बड़ी जल्दी है, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर। ठंड रख। पठानी भाई के सबसे करीबी और चहेती दुश्मन तो कारला साहब ही है। बेटा तुझसे कुछ ना होगा। हेलो, कैसे हो कारला साहब? पहले से आराम है? हाँ बोल। एमएलए पठानी को मैंने किडनैप कर लिया है। अचानक 2 BHK खरीदने का मन किया और मैंने खरीद लिया, अब उसकी किस्त चुकानी है मुझे। तो पैसे दे दे, एमएलए ले जा। हे तू कौन है?
मैं वो हूँ जिसका बिल्डर खून चूस रहा है, डील डन करता या किसी और को भेज दूं? अच्छा ये बता कि पैसे कब और कहाँ देने हैं? बाद में बताऊंगा। शराफत से पैसे देने को तैयार हो गया? मतलब एमएलए इसके पास तो नहीं है। उसका दूसरा दुश्मन कौन है? क्या चूरन दूं, कौन सी गोटी फिट करूं? स्ट्रॉबेरी पसंद है या चॉकलेट? क्या कहा? आइसक्रीम पूछ रहा हूँ। हेलो। हाँ साहब। सुन, वो टेलर मतलब एमएलए पुलिस के पास है? एकदम गलत न्यूज है। अभी आपको प्रेम ने फोन किया था, उसको शक है कि एमएलए आपके पास है। ए, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसे फोन कर रहा है, सब कुछ मुझे बताते रहना। ओके। ये देखिए बच्चा तो प्ले स्कूल ना की। पकड़ लिया, क्या बात है, अभी डेम तुम्हारा दादा। क्या चल रहा है ये, टाइम पास कर रहा है, तुम लोग का खाना पीना बंद। दादा आप ही बोले थे उसे खुश रख दो तो हम लोग वही कर रहे। लेना बोला था उसने पहले लॉलीपॉप और टॉफी मांगी, इसलिए ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक ट्रक भेज के मंगा लिए लाए, फिर बोला लुक्का छुपी खेलने को तो हम लोग वही खेल रहे। बिना मोटर के साइकिल आ रही है। अच्छा अंकल, अरे कूदो मत, नहीं तो टायर पंक्चर हो जाएगा। पप्पू पोएट्री में पास हो गया, अब काम की बात करें। मेरे ससुर ने क्या बोला? कौन सा ससुर? ए बेटा एक्टिंग कर रहे, मेरे साथ एक्टिंग कर रहा है, मेरा खून खोल रहा है। इसका भी हक है ना, पूरे पैसे हम लोग अकेले थोड़ी ठस्सी कर सकते, हिस्से बांटे की बात करो तभी मामला सुलटेगा। मतलब परसेंट? हाँ। अच्छा क्या लगता है इसको दो नंबर आई है? बॉस ये 2% 500 करोड़ में से मांग रहा है, मैं तो बोलता हूँ डील लॉक कर दो। मेरा बीपी बढ़ रहा है, अभी मुड़े जाबो। दवाई से बीपी ठीक कर लेना बॉस, 500 करोड़ की बात है, 5% में डील नक्की करो बॉस। 5%? इससे ज्यादा नहीं दूंगा, ना तेरा ना मेरा, 5%। ऐसा क्या, मेरा 10% लगा, 10%। इसको समझा, 10% मांग रहा है, समझा कोई इसको समझा रहा है? हैं? ये कहीं मर तो नहीं गया? इसके मुंह पे पानी छिड़क। बढ़िया बे, ये उठ सावन के अंधे। दादा ये फिर बेहोश हो गया, जिसका डर था वही हुआ, फिर बेहोश हो गया। भगवान हमारे तकदीर में क्या 500 करोड़ नहीं है? कीजे कोरी है? ये ठोकम ठाकी क्या है? दादा किडनैप के वक्त एक के साथ एक फ्री मिल गया, इसलिए उठा के लेके आया। तो माथा नहीं खराब, जा लेके आ उसको। चम्मच भी मीठा हो गया होगा नहीं? अब तुम खाओ। थोड़ा सा और खाओ ना, मोटी हो जाऊंगी। चलेगा ना, खूबसूरती किलो के भाव बढ़ेगी। अबे तू क्या एक पंच? एमएलए एमएलए सपना देख रिया था। डर की कहीं का। सुन बे, अगर मैं तुझे कोऑपरेट कर रही हूँ तो तू मुझे ऑपरेट मत कर, पोपट में बाटली फंसा दूंगी। खा के हो गया, चलते हैं। मम्मी मरी गया। धीमे धीमे भाई, मैं इतना डिमांड में कब से आ गया कि लोग मुझे भी किडनैप करने लगे? असुचे, क्या हुआ? ये तो एमएलए जैसा दिखता है। एमएलए ही है, इसको तो संसद भवन में होना चाहिए। अरे जनता तुम लोगों को माफ नहीं करेगी, कुत्ते की तरह मारेगी। हो मेरे को इसकी नजर खराब लग रही हो। क्या रे, स्कूल पैंट उतारना भूल गया? मम्मी घर नहीं गया। पापा इधर आ, कौन है तू, कौन है तू? पुष्पा का पति, पुष्पा का पति, पुष्पा का पति, पुष्पा का। चुप करो ने भाई। क्या रे, ये सच है क्या? तू मेरी जानू का हस्बैंड है? ये बात अगर पहले बोल देता तो इतना चमाट नहीं खाता। जा 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 तू जा। मैं पुष्पा का पति नहीं हूँ, चाहिए तो मुझे जान से मार डालो। मारो भाई, गोली मारो, पागल बंदूक की तरह। तेरी शक्ल से लग रहा है तू पुष्पा का पति है। मार डाल, मार ले। कल्पेश ये देवाशीष तेरा गाल क्यों पकड़ा है? यहाँ पर एक एमएलए के रहते
क्या झोल झपटा हो रहा है? पठानी भाई आपका याददाश्त कमबैक हो गया। क्या बोले? मतलब वापस आ गया? अरे गया कौन था, आया कौन? ए भाई, आप गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से कोमा में गए, कोमा से बचपने में चले गए और ठुकाई के बाद फिर बचपन के हो गए। ए देवाशीष, तेरा ससुर डिस्चार्ज हो गया? डिस्चार्ज तो हो गया लेकिन दुनिया से। मतलब टपक गया? देवारे देवा। ए भाई, उनको तो एक बार मर के छुटकारा मिल गया, मैं पल पल मर रहा हूँ। ए भाई जल्दी चलो, पुष्पा का मैटर खत्म करो, बाहर रिक्शा खड़ा है। उधर ही अटका है। हाँ भाई। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, चुटकी बजा के मैं पुष्पा को पुश करके उसका इलाज उतारी कर देता। क्या मतलब? अरे उसको तलाक के लिए पुश करता हूँ। नहीं करो लेकिन जल्दी करो भाई। ये मम्मी, मेरे साथ ये चूहा बिल्ली का खेल बंद करो, नहीं तो इसकी बलि चढ़ेगी। उसके लिए इसका बलि काय को, हमारा मैटर है ना। चलो बैठ के सॉल्व करते हैं। देख दोरजी, 25 साल से मेरे सीने में 500 करोड़ का ख्वाब लेके घूम रहा हूँ। अगर मेरा ख्वाब तूने तोड़ दिया तो मैं तेरे सीने की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, समझ गया? इसके बाप ने इसको मिर्ची खा के पैदा किया था क्या? शटर खोल, चल। मेरे ससुर ने क्या बोला? देख देवाशीष, 15 साल में मैं तेरे ससुर की बहुत सेवा किया, उसने मेरे को 15 लाख बातें बोली, तेरे को कौन सा पूछने का है? hey, मैं जानता हूँ तू मुझे भूखा बनाने की कोशिश कर रहा है, तुझे पता है मुझे क्या जानना है, वही बता। इसको भूखा बनाना ही पड़ेगा। सुबह के 11:30 बजे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, तभी मेरी बीवी चाय बना के लाई थी या कॉफी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे ये जानना है मेरे बुढ़े ससुर ने मरने से पहले तेरे कान में क्या बोला था। देख देवाशीष, मैं कभी कोई स्टोरी बीच से नहीं बता सकता, शुरू से शुरू करूंगा और एंड तक लेके जाऊंगा। आयशा पता कर बीच में बोला ना तो मैं उठ के पागल हो जाऊंगा। मुझे सबर का फल 500 करोड़ मिलेगा। ये इनको चूरन दे रहा है, इनका पेट खराब होगा और गैस छूटेगा ना, तब पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सुबह के 11:30 बजे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, तभी मेरी बीवी चंदन वाले साबुन से नहा के मेरे कमरे में हाथ में फूल लेकर। आपका या गेंदे का? सुबह सुबह के 11:30 बजे थे। गुलाब हो या गेंदा, तेरे बाप का क्या जाता है? भाई भाई भाई, इनको बीच में टोकोगे ना तो इनका फ्लोर टूट जाएगा और इनकी खटारा गाड़ी यूटर्न मार के फिर से पहले स्टेशन पे पहुंच जाएगी। ओ, तो इसको ये बीमारी है। भाई लोग, तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, इसे कुछ मत बोलो। हाँ, कुछ मत बोलो। बीच में कोई नहीं बोलना, नहीं हाँ, कोई नहीं बोलना, चुप बैठ जाएगा। हाँ भाई, तू तू शुरू हो जा, तू शुरू हो जा, बोलना बोल। सुबह के 11:30 बजे कुत्ते भों भों भोंक रहे थे, मेरी बीवी चंदन वाले साबुन से नहा के मेरे कमरे में फूल लेकर आई। फिल्टर कॉफी पीने के बाद मेरे को प्रेशर आया और मैं वहां से सीधे बाथरूम में गया। उसके बाद मैं कोयले से दाल घसने, इसने अपनी मिनी तलवार की नोक से मेरे नाक में सुरसुरी की। रोज तुझे 5 किलो मटन खिलाता हूँ, 5 किलो चिकन खिलाता हूँ और तुझे पता नहीं तलवार कैसे पकड़ी जाती है? ये तो कैसे पकड़, ऐसे रख, ऐसे रख, नहीं तो तेरा मुंडी उड़ा दूंगा। सॉरी भैया, चालू हो जा। सुबह सुबह के 11:30 बजे फिर से चालू करियो। कुत्ते भूख रहे थे, मेरी बीवी चंदन वाले साबुन से घस घस के ना के कॉफी लेकर आई। वो फिल्टर कॉफी पीने के बाद मेरे को प्रेशर आया और मैं सीधा बाथरूम के अंदर गया। आने के बाद जैसे टीवी ऑन किया, शाहरुख खान की फिल्म का गाना बज रहा था। पता भी है कौन सा गाना था? तू है अपुन की सिमरन, सही बोला ना। पिक्चर का नाम भय, डायरेक्टर का नाम अभय, प्रोड्यूसर पता नहीं और गाने वाले वही डिस्को और शांति। लोचो मारियो। सुबह सुबह के 11:30 बजे अरे क्या भाई, मैं मारते जा रहे हो? अरे मेरे दादा के दादा ने पैसे लगाए थे उसमें। तू क्या विरोध मारती है, तेरे को सब कुछ पता है। Hey, तू क्यों हंस रहा है? ऐसे तो एक ही एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट रात दिन चलता रहेगा। वो क्या करे, ये सिर्फ एक ही रिमोट से आगे बढ़ सकता है। तो फोन करके उसे यहाँ पर बुला, एमएलए को जिंदा देखना तो उसे यहाँ पे आना ही पड़ेगा। करूछू फोन करूछू। इसको क्या चाहिए? हाँ बोल। ए बका, एमएलए पठानी भाई पता है किडनैप हो गया ना? वो एमएलए तो इधर, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन डिस्टर्ब मत कर, भाभी पे कॉन्सेंट्रेट करने दे। अरे खचक से काट डाला। क्या हुआ, आउटगोइंग तो फ्री है, लगा लगा। हाँ ठीक है ठीक है। ये कल्पेश फोन कर करके परेशान करता ही रहेगा, बंद हो जा। फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। थुक, 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 थुक,
होठों में गुदगुदी क्यों हो रही है? छी, कितनी बास मार रहा है। अच्छा अगली बार अतर लगा के आऊंगा, इसको भी कुछ बोल कैसे गाड़ी चला रही है। ध्यान से गाड़ी चलाना। सॉरी मैडम। ब्रेक मारने पर आदमी बिल्कुल सीधा जाता है, लेकिन तू सीधे जाकर लेफ्ट क्यों ले लिया? क्या बात कर रही है? मैं किसके लिए टर्न हुआ? दोबारा ब्रेक मरवा के देखें ये कैसे हो गया। लगाम लगा मुंह ही तो लग गया था। उसके बाद 12:42 हो गए, मेरी बीवी चाय और खाना दोनों साथ लाई, और जैसे ही मैं पहला बाइट खाने के लिए गया, चाय ला, मेरे मुंह में मेरी बीवी का केस आ गया। फिर मैं कुल्ली करने के लिए सीधा बाथरूम में भागा और मैं रपारप उल्टी मारा, और वाइच टाइम पे प्रेम मेरे घर में आया। उसने बोला कि उसको ढाबे वाली लड़की के साथ लव शव हो गया है। उसी को पुलिस की नौकरी दिलाने के लिए उसने मुझे 10,00,000 रुपए का बंडल दे दिया। मैंने मदद करने का फैसला करके जैसे ही बाहर निकला, तभी कोई भागता हुआ आया। है, मेरी बात कर रहा है। कौन था वो याद नहीं? भाई, भाई, वो मैं ही था भाई, मैं था। जी, अगर उस दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाते तो पुष्पा डमी हो जाती, अंजलि मम्मी और मैं डैडी बन जाता, तो ये सब होता ही नहीं। लगता है मैंने छुरी पे खरबूजा गिरा दिया। सुबह सुबह के 11:30 एक मिनट रुको, मैंने टोका ये ठोकेगा। नहीं नहीं माता नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं मैं वो गलती वो मैं चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। अब तो मेरे दिल की आवाज ही ऊपर वाला सुन सकता है। सुबह के 11:05 हुए थे। लगता है पंचर हो गया। तुम्हारे पास स्टेपनी है ना? कदम कदम पर टेंशन बढ़ता जा रहा है, पता नहीं एमएलए के साथ क्या हो रहा होगा। अरे इतना लोड ना ले, एमएलए की जान को अगर किसी से खतरा है तो वो है कार्ला साहब, और एमएलए उसके पास तो है नहीं। मतलब उन्हें किसी और ने किडनैप किया है, और जिसने भी किडनैप किया है अगर वो उन्हें मारना चाहता तो कल ही रात मार देता, लेकिन नहीं मारा, तो उनकी जान को खतरा नहीं है। जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनसे मिलने कौन कौन आता था? एक सेकंड, एमएलए का जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे, याद आया। और मिनिस्टर का दामाद एक ही बात पे जोर दे दिया था कि कितना भी खर्चा हो जाए एमएलए की जान को बचाओ। समझ गया, चलो जल्दी चलो। कहाँ? बता दो, पहले काम करो, अपने कपड़े उतारो। क्या मतलब वर्दी उतार के कुछ और पहनो, अब चलो जल्दी, तुम लोग पीछे से आओ। चलो। उसी टाइम पे प्रेम घर के अंदर आया। मैंने उससे पूछा कि वो ढाबे वाली लड़की से प्यार करता है क्या, तो उसने उसे पुलिस की नौकरी दिलाने के लिए मेरे हाथ में 10,00,000 का बंडल लग दिया। अभी बोलो, उसका घर बस जय सोचकर पैसे लेकर निकला, और सोचा कि ये डीजीपी के हाथ में ले जाके रख दूं। तभी कोई गुड़ गुड़ करके भागता आया, पता है कौन था वो? अरे अपना कल्पेश था गुज्जू भाई। वो रिक्वेस्ट किया कि मेरा पुष्पा से तलाक करवा दो रे बाबा। मैंने प्रेम से पूछा कि पुष्पा का मामला सुलटा दूं क्या? उसने बोला अभी नहीं, अभी तुम जाओ, है ना कल्पेश। मैं कार लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचा तो 12:45 थे। जैसे ही एंटर हुआ तुम दिखाई दिए, तुमको हेलोवीन का पम्पकिन बोला था मैंने, याद आ रहा है ना? तुमने बोला कि जो तुम्हारे ससुर मेरे को बोलेंगे वो मैं तुमको बता दूं। फिर मैं अंदर गया, याद है? तुम्हारा ससुर लामलेट था, उसकी नाक में 2 लाइफलाइन था, तुमको याद है ना? तुमने बोला ससुर जी आपसे मिलने एमएलए दौरजी आया है। तुम्हारे ससुर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। नहीं सुना। सुबह सुबह के 11:30 दादा, फ्री में काम करता हूँ, इसका मतलब भी फ्री में हाथ साफ करोगे? आपके 500 करोड़ के लिए सुबह 5 बजे से मैं रोक के रखा था। हवा और पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेते ना दादा, मैं क्या करूँ? 500 करोड़ मिल जाता अगर 5 मिनट और रोक लेता। मूली के पराठे, राजमा खाएगा तो यही सब होगा ना। चलो टेक नंबर 4। मैं भूला नहीं, सब याद है। सुबह सुबह के 11:30 मुझे 500 करोड़ नहीं चाहिए, 5 करोड़ लेके तू मेरा जान छोड़ दे। मकाली हमारी जान बचाओ। मोटा भाई, 1 घंटे के लिए इनको अपने साथ ले जाता हूँ, पुष्पा का मैटर क्लोज करके आता हूँ। यहाँ पूरा कलकत्ता बर्बाद हो गया और तुझे पुष्पा की पड़ी। नहीं मोटा भाई, एमएलए का अंडा बना। एक बार और ट्राई करता हूँ, इस बार क्लाइमेक्स तक जाऊंगा। बोल क्या हुआ था? बहुत मुश्किल है भाई। सुबह सुबह के 11:30 तुम कहो तो फोन करके पुलिस फोर्स मंगवा लूं।
क्या कहते हो? अरे तेरे साथ मैन फोर्स खुद चल रहा है, पुलिस फोर्स की क्या जरूरत? उतर। दिखावा करना तो कोई इससे सीखे। मेरा गणित बोल रही है कि एमएलए इसी गोडाउन में होगा, 2 मिनट बाद धक्का मार के दरवाजा तोड़ेंगे। 2 मिनट बाद क्यों? ज्यादा गूगल मत बन, और सुन अंदर बहुत मार धाड़ होगी, कभी भी डर लगे तो सीने से चिपक जाना। लंबी लंबी छोड़ना बंद करो, जाके एंट्री मार। मिनिस्टर ने माचिस की डिब्बी की तरह खटाक से आंखें खोली। हम दोनों उधर ही थे याद है, तुम्हारे ससुर ने तुमको दूत करके भगाया याद है, तुमको भगा के मुझे हाथ से ऐसे ऐसे बुलाया याद है, मेरा भारी पैर उनके लाइफलाइन पर पड़ गया और उनकी सांसें ऐसे लपक लपक के चलने लगी, घासलेट खत्म होने पे स्टोव का ऐसा भपका मारता है वैसे ही भभक रहे थे। मैंने अपना खूट वाला कान उनके मुंह के पास लगाया, वो बोले कि पब्लिक को उल्लू बना के मैंने 500 करोड़ चंपत किए, मेरे को बोले जो हो गया उस पे मिट्टी डाल, फिर उसके बाद तुम तीनों बातें सुनते सुनते नीचे गिर गए, फिर तुम तीनों को कुत्ते की तरह हकाल के भगाया और मुझे 500 करोड़ के बारे में बताया, बोले कि वो 500 करोड़ रुपए मैंने आजा, जिसमें तुम्हें आओ, मेरे गुस्से से आज कोई भी बचने नहीं वाला। केकड़ा भाई चिल मार। अगर 5 सेकंड बाद आते तो मैं 500 करोड़ का मालिक बन गया होता। क्यों? लॉटरी लगी है क्या? 500 करोड़ का राज जानने के लिए हमने 5 दिनों से सोए नहीं है। ओ प्रेम भाई, हाँ भाई, मीटिंग में ऐसा कोई दरवाजा तोड़ के आता है क्या? अच्छा ठीक है, सुबह सुबह के 11:30 ठीक हो गए? हाँ यही अकेले ठीक है, बाकी सब तो कोमा में जाने वाले हैं। अबे कल्पेश, तू यही पे फोन क्यों नहीं किया मुझे? सॉरी, बोर्ड मीटिंग में था ना तो कॉल नहीं किया। अबे चिराइन कर रही है मेरे साथ, एक शब्द बोला तो इससे कान काट डालूंगा। अरे फोन किया तो खुद ही खचर खचर बोल रहा था। अरे फोन का मतलब 2 लोगों में घुटर गई। हाँ, स्टॉप इट। एमएलए को किडनैप करने के जुर्म में तुम सबको जेल में डालूंगी। एक मिनट मैडम, रुको रुको रुको, रुको। इसे किडनैप करने के जुर्म में मत डालो, इसका कत्ल करने के बाद इसकी वजह से मेरा 500 करोड़ गया। अपनी कहानी रिपीट कर करके इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। अरे क्या कर रही हो, करोड़ों की बात है ना, आराम से बैठ के बात करते, तलवार हटाओ। मेरे ससुर का 500 करोड़ कहाँ पे है ये राज इसको मालूम है? इतनी सी बात, ठिकाना पता करना है ना? और नहीं तो क्या, फिर पक्का छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, मैं बात करता हूँ। सुबह सुबह तो कैसे रट्टा मारना बंद कर। कल्पेश कुर्सी छोड़। बका, हम सबकी आत्मा को मोक्ष दिलवा। हाँ सब कुछ दिलवाता हूँ अभी। चुपता है, सुबह सुबह के 11:30 बजे। रुको रुको, पठानी भाई काम के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, क्या हुआ उसका? वही तो बता रहा हूँ, जब मैं भजिया पोहा खा रहा था तभी तुम मुझसे मिलने आए और मुझसे कहा कि मेरी प्रेमिका को पुलिस की नौकरी दिला दो और ये 10 लाख रुपया रख लो। सुना कि नहीं? सॉरी। सूखी सूखी सॉरी नहीं चलेगी। अब ये बताओ डीजीपी को पैसे क्यों नहीं दिए? मैंने उसको फोन करके बोला कि रिश्वत ले लो और नौकरी दे दो, वो बोला मैं अभी एनकाउंटर करने जा रहा हूँ, रिश्वत की बात किया तो तेरा एनकाउंटर फोन पे कर दूंगा। अब समझ में आ गया, तो ना आप 1 बजे मंत्री साहब से मिले, ना उन्होंने 500 करोड़ के बारे में आपको बताया। अरे एड़ा पाव, मैं मिनिस्टर से मिला, कंफर्म है। वो फुदक फुदक के बोला कि 500 करोड़ रुपए नूर महल में छुपाए। अरे भाई से मत चले जाना, भैया थैंक यू, दूध दो ना, दूध दो, थैंक यू। यस कर, तू भी याद करेगा। हैप्पी, सो हैप्पी। ए एमएलए भाई लगे हाथ डिवोर्स के पेपर पे, पुष्पा का साइन करवाने आओ। नहीं आऊंगा आऊंगा। ए सर विकी, मैं नूर महल जा रहा हूँ, इन सबको खत्म कर डालो। क्या है? तुम लोगों को छोड़ दिया था, तुम लोग पहले पहुंच जाओगे, मुझे ठेंगा मिलेगा, पागल समझेगा, चल हट। ये मार दो इन सबको। प्रेम ये क्या बोल रहा है? अभी मत टपका, पैसे उधर है कि नहीं कंफर्म कर लो। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग को टोपी और चड्डी भी नारे लाओ। अरे मुच्छड़ एक तू ही है जिसका पगार वसूल होता है, बाकी सब तो अभी है। सही बोला, इधर आ रहे। 500 करोड़ मिलने के बाद मैं तुम सबको मार डालूंगा। चलो सब लोग नूर महल चलो, लेके आओ सबको। अरे क्या कर रहे हो, गलत बात है, चीटिंग कर रहे हो। फिर साइन करवा के सीधा मैं नूर महल लेके आऊंगा, टेम्पो में, ए रिक्शा में, ए बस में। भूतों और भूतनियों, प्रे का टाइम हो गया है। तड़ियल, तेरा थोपड़ा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। कांचना पड़ा पे एक बाइक वाले ने उड़ा दिया, ऑन द स्पॉट खला। ओ, एक्टिवा पे था क्या? हाँ स्वामी जी। शैतान बाइक वालों को बुद्धि दे, मुझे भी एक बाइक वाले ने उड़ाया था, इसलिए हमारे इस लोक में गाड़ी चलाना फुल टू बैन है। एक्सक्यूज मी टकले महाराज। यस प्रोसीड।
जब भी कोई इंसान एक्सीडेंट से मरता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिलने में टाइम क्यों लगता है? आगे? ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले? मैं बताता हूँ, आज क्वार्टर पूर्णिमा है, सारे भूतों का स्पेशल 26, मामूली रात नहीं है। आज की रात यमराज यहाँ राउंड मारते हैं और एक्सीडेंट से मरी आत्माओं को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और उनके सर पे तरबूज रख के आर्य और करवत से छेद करके उसका जूस पीते हैं। और जिस किसी का भी जूस टेस्टी निकलता है ना, उसकी आत्मा को मुक्ति तो मिलती ही है, साथ में इंस्टेंट शक्ति मिलती है। अगर मुझे ये शक्ति मिल जाएगी तो मैं उस आशिक का गला घोट दूंगी जिसने मुझे धोखा दिया है। बोलो, इधर देख, 100 लोगों का ग्लैमर मेरे अंदर है। ए चुप कर, पहले जाकर अपनी दाढ़ी बना कर आ। यहाँ ढकपन दिखा रहा है। कौन है बे? आत्मा फ्रेंड हो सकती है लेकिन गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ठंड रखो और आत्मा मुक्त एग्जाम की तैयारी करो। किसी ने चीटिंग की तो वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा। अभी श्लोक का टाइम है, बच के लटक गए तो एग्जाम शुरू होगा लटक के उठने पर। आटम पाटम कुंडाटम, एग्जाम की तैयारी शुरू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो भूत बंगला है, मेरे ससुर के साथ चंद्रमुखी का कोई अफेयर वफेयर तो नहीं चल रहा? हाथ पकड़ ले। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी लंबी लंबी हाँक रहा था बे, और अब भीगी बिल्ली क्यों बन गया? अबे कुछ करके दिखाना। अबे कुछ होने तो दे, क्या करूँ, गुलाटिया मारू क्या? यहाँ बाहर वाले के अंदर जाए का परमिशन नहीं है, जाइए यहाँ से, जाइए। अमी बंगाली, हमारा भाई। ना 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 ना, बंगाली हो चाहे बिहारी, परमिशन नहीं है। की बोलचे टकी, पहले थिएटर में काम करता था क्या? तुम पुष्पा के मरद होगा? क्या बोला, समझा दूं? ए, सवाल हिंदी मराठी या भोजपुरी में पूछे मतलब एक ही होता है, पुष्पा नाम ही काफी है। एकदम सरस। प्रणाम पुष्पा के पति जी, आप अंदर जा सकते हैं। आपने पुष्पा की चोटी को नीचे करके सारे मर्दों के मुछों को ऊपर किया है। आप तो मर्दों के बाहुबली हैं। चलो 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 भाई, जत मिल रही है या बेइज्जती? सब कपड़ा पहन के स्टीम बात ले रहे हैं। पैसा टाका, पैसा की तरह इधर नहीं है, मेरे साथ आ। भाई दिया सलाई है क्या? बीड़ी नहीं पीता, जाने भाई। निकल जाऊंगा तो खड़ा रहे। ये अहमदाबाद का आर्नोल्ड लगता है। बक्का सीक्रेट बताना है बाजू में आ। कौन सा सीक्रेट? नियर, यहाँ पे भूत लोग हैं। किसकी बात कर रही है? ए, मम्मी मरी गई हो। पेंटिंग नहीं, ताका की तरह। अरे होल के पीछे गोल माल है। अब इसको फाड़ता है। उड़ी बाबा, हम करोड़पति बन गया। टकले महाराज, हाँ। हमारी भूतों की पार्टी में इंसान भी हाथ साफ कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने भी देखा। पर इस डांस को बीच में छोड़ा ना तो यमराज डिस्टर्ब हो जाएंगे और खोपड़ी की झोपड़ी बना देंगे। नाचते रहो। हे प्रेम, मिनिस्टर ने 500 करोड़ नेक कामों में डालने के लिए बोला है। अगर वो पैसे नेक काम में नहीं लगे तो यमराज मिनिस्टर को नरक में ढकेल देगा। भाई भाई भाई, पहले इन पेपर पे पुष्पा का साइन करवा दो। ये डोका फिर ले का है, इतना सीरियस मैटर चल रहा है और तू पुष्पा जैसे मामूली चीज पे अटका हुआ है। चल भाग, दिमाग नहीं खराब करना। एक पुष्पा नाम की चटनी से तुमने मुझे चटाई ना। चुप रहने बैगन, अब तो ये बच्चे नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गए। तेरा मामला इससे फिट हो गया है और ये पुलिस भी बन गई है और उस बंगाली बाबा को पैसे भी मिल गए हैं, जिसको जो चाहिए था सबको सब कुछ मिल गया। लेकिन मेरे को बाबा जी का लोटा, ना बंगला मांगा ना गाड़ी मांगी, बस इस तलाक के कागज पे पुष्पा का साइन चाहिए। लेकिन सब भाव खा रहे हैं। मेले इज्जत से मेले तो धोखे आने। मिस्टर पुष्पा के पति, सूझे तुम लोग सब इतने टेंशन में क्यों हो? थोड़ी देर में तुम लोग सब स्वर्ग जाने वाले हो। देखो, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम ये पैसे सरकार के हवाले कर दोगे तो तुम्हें सजा नहीं होगी, मेरा वादा है। तू कितनी प्यारी गुड़िया है, तुझे बारी जाऊं। ए मिकी माउस, मेरे को सामान दे रहे। ये लो बॉस, तेरा काम हो गया ना, अब निकल। क्या रे, मेरा राज जानने के बाद मैं तुम सबको छोड़ दूं? क्या मैं बुद्धू हूँ? कौन है भाई? कालरा नाम ही काफी है। एक भाई कालरा, ये आपस का मामला है, तू बीच में मत पड़। तो इसके साथ माची बात खा।
मुझे तो बस इस टेलर के टाके उधेड़ने हैं। ये बात है, जो काम मैं करने वाला था वो अब तू कर दे, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। ले, जो फैक्ट्री मैंने चालू करवाई तूने वहाँ फिर से हड़ताल करवा दी, वो मुझे 5 करोड़ देने वाला थे, अब तेरा बाप दिखा दो। तो क्या हो रही है, कोई आपको 5 करोड़ के लिए मार रही है, कोई आपको 500 करोड़ के लिए मार रही है, मंत्री साहब के 5000 करोड़ का सुनेंगे तो 1000 कोटी गलती से निकल गया, 5000 कोटी बोला नहीं निकल गया। चुप, मैं बात करता हूँ, अभी कथा बोलिए। दोड़जी, ये 5000 करोड़ कहाँ पे छुपा कर रखा है? बोलना मत, बोलना मत। मेरे ससुर ने और क्या बोला था? बोलना मत, मेरा भी हिस्सा है। सुबह सुबह के 11:30 बजे चल मत कर, चल। नहीं चाहिए 5000 करोड़। ये क्या टाइम पास कर रहा हूँ मैं, इसको छोड़ नहीं। आप अभी तक नहीं समझे, यहाँ करोड़ों की बात चल रही है। देख काल रहा, कोई झगड़ा नहीं, पहले भी बताने की कोशिश की पर कोई सुना नहीं। आप अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। रेडी? चुप। सुबह सुबह के गप चुप बजे थे, पार्ट 2 बन रहा है भाई। गली के कुत्ते भौ भौ कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? अरे कहानी खत्म करो ने भाई। सुबह सुबह के बस करो। ये बताओ, तुम सबको 5000 करोड़ चाहिए ना? चाहिए चाहिए। पैसा मिलने के बाद हम सबको छोड़ दोगे ना? इधर आओ। कल्पेश के हाथ में जो कागज है उसमें पैसों की कदम कदम की डिटेल है। इसीलिए कागज को वो बॉगल में दबा के रखा है। छूने में घिनाएगी पर पैसों का मामला है। कल्पेश, मेरी गुज्जू डार्लिंग। इतने प्यार से कौन बुला रहे? कितनी अच्छी लग रही है तू। मुआ, 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 मुआ। फाइल टमक दे रहे? ए, इस फाइल में मेरा जिंदगी भर का खजाने का राज है। अगर फाइल नहीं दिया तो तेरी जिंदगी रहेगी ही नहीं। जो करना है कर लो, मैं ये फाइल नहीं दूंगा। अगर नहीं दिया तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। फाइल दे। नहीं दूंगा। पकड़ इसको। नहीं दूंगा। बहन जी मुझे दे दो। छोड़ दे। ए, रुक, कहाँ जा रही? रुक, दे मुझे फाइल। छोड़ मुझे। अर्चना, ये फाइल मुझे। इधर फेंक। प्रेम, फेंक दूँगा तुझे। ए, अंदर से भी लेके आऊंगा। कौन है अंदर? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल रहे। अरे क्या ठकठका रहा है? तोड़ रहा बॉस, ये लोग तो योगा कर रहे हैं बॉस। क्या है, थोड़ी देर पहले ये लोग तकताई कर रहे थे, अब योगा करने बैठ गए। हे मोनालिसा, मेरा फाइल दिखाएगा? हे गेंडे, मेरा फाइल दिखाएगा? अरे ये लोग योगा कर रहे हैं, कुछ ढूंढते हैं ना। सही बोला, सही बोला। 1 2 ए यमराज यार, कुमारी अंदर मिल गए। फाइल रो, फाइल रो, मिल गई। अरे मिलने से क्या होगा, पढ़ो तो सही। अरे पढ़ना, तू ही पढ़ के बता। अरे मैं कोई शिक्षा मंत्री क्या? तू पढ़ना, चल पढ़। तू अनपढ़ है, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना। विक्की चौथी पास है, उसको पढ़ना आता है, उसको पढ़ाइए, दीजिए उसको। मेरे शेर, तू ही पढ़ के बता, प्यार से पढ़ी हो एकदम। टेक स्टार्ट। ओम गणेशाय नमः। डिस्ट्रिक्ट आवन जावन, अपना गांव है। तालुका खावट पीवन, सही पढ़ा ना बॉस? सही है। गांव के पास मंदिर और मंदिर के पास गांव, पुराने बरगद के पेड़ के पीछे। सही बोला, एकदम सही बोला। कान खोल के सुनिए, शमशान घाट के सामने खोली नंबर 9/9। एकदम करेक्ट पता, खोली का नंबर। डिस्टर्ब मत करो, मैं भूल जाऊंगा। मैं श्री 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 श्रीमती पुष्पा कुमारी, 29 फरवरी 2018 को एक सामूहिक विवाह में फोकट की खटिया पाने की लालच में
मैंने कल्पेश से अपने गले में मंगलसूत्र उसी दिन के बाद मेरा ससुर बीमार हो गया था। अरे ऐसा पढ़ने को मत बोल, पैसे का पढ़ने के लिए बोल। आगे बढ़ा के पढ़, काम का पढ़। हम दोनों में 36-37 का आंकड़ा था, इसलिए हम लोगों ने अलग होने का फैसला किया। कल्पेश अपनी अंगूठी और मैं अपनी खटिया लेके दोनों तलाक के बंधन में बंध जाएंगे। ये खजाने का पेपर नहीं है, ये तलाक का पेपर है। और वो पैसा बुद्ध बना है। देखा मेरे दिमाग का कमाल, 500 करोड़ तक आखिर पहुंच ही गए। बस उम्मीद है नए नोट हो। अब इन पैसों से मिनिस्टर को नर्क से छुटकारा मिलेगा। भाई इन पैसों का गला अच्छे काम के लिए ही घोटेंगे। सोच लिया मैंने, इन पैसों से जो गार्डन को गंदा करते हैं उनकी शादी करवाऊंगा। पहली शादी तुम्हारी अर्चना की, दूसरी कल्पेश अंजलि की। शादी कैसे होगी, पहले पुष्पा से तलाक दिलवाओ। मैं बोलता हूँ ना, चलो मेरे साथ। ठीक है, करवाना शादी, आओ जल्दी। तेरा तो हो गया, मेरा भी कराओ ने भाई। आओ चलो चलो चलो, अब मेरे को मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल्पेश बहुत खुशी हो रही है। खुशी नहीं भाई, अब तो खुशा हूँ मैं। सर प्रेम भोपाली आप ही हूँ क्या? हाँ मैं ही हूँ, माथे पे लिखवा लूँ क्या? मैंने सुना है आपने अर्चना को पुलिस की जॉब दिलवाई। हाँ तरस खा के रहम खाया था। सोचे नहीं नहीं कुछ नहीं। अगर आप मुझे पुलिस की जॉब दिलवाएंगे तो कितना खर्चा होगा? जीएसटी की वजह से रेट बढ़ गए, पहले 10 में हो जाता था और अब 15 लगते हैं। 15 लाख? हाँ। पर मुझे जॉब तो मिल जाएगी ना? मुझे हल्के में ले रही है, यहाँ पे कोर्ट में लोग मेरी फोटो के ऊपर हाथ रखे कसमें खाते हैं। इसने तो कानून ही बदल दिया, बहुत बड़ा कानून ही है। ये बंद कर पड़ना। देवाए शांति। क्या है भाई? नहीं कुछ नहीं। ओम महेश्वराय नमः, ओम भद्रकाली। लो 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 पहना दो। कर जल्दी, हाथ चल जाएगा, हाथ चला। कल्पेश बंदियों ठंडा करके खा। इसे पकड़िए। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्व। शादी के बाद एक भी दिन काम पे नहीं जाऊंगा, अंजलि के जेवर बेच बेच के खाऊंगा। एक गड़ू ला तो ला। क्या देख रहे हो, मंत्र भूल गए क्या? मंत्र पढ़ो ने भाई, तुम्हारी वजह से मैं भी पॉज हो गया हूँ। तुम तो पुष्पा के पति हो ना? हाँ भाई, तुम मंत्र पढ़ ले। नहीं नहीं, मैं तो अंजलि का पति हूँ। अंजलि आई एम पति, यू आर पत्नी। ए मत मारो ए पुष्पा, तुम कहे सॉरी अंजलि। मेरी लाइफ में दो दो लिख मुझे पता नहीं था मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। बिल्लिया जान दे दूंगा ए अंजलि तेरे लिए। रुक जा ए अंजलि। क्षमा क्षमा धात्री सहा सदा नमस्ते। पंडित तुझे तो मंत्र मारता हूँ। बरे बरे, हमारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें शक्ति दो। जानते हो आज ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? पिछले साल एग्जामिनेशन हॉल में मुझे किसी ने लात मारी थी क्योंकि मैं ब्लूटूथ लगा के चीटिंग कर रहा था। एलईडी तले घनघोर अंधेरा, यही मेरा हाल था। पैसे की लालच में भूत बन के रहना पड़ेगा। हाय रे किस्मत, कहां हेल्थ मिनिस्टर बनने वाला था, भूत मिनिस्टर बन के रह गया। चिंता मत करो भाई, इस गंजे को मार के आप यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनोगे। ए हेडफोन मूंछ, यहाँ भी पॉलिटिक्स? और दादा, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मदिरा पानी नहीं किया। आज तो ड्राई डे है ना, यहाँ भी बनाते हैं। hey, यहाँ ड्राई डे तो नहीं होता। ठंडा सोमरस पिला ही दो। हाँ? क्या तुम सबको भी पीना है? जी 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 महाराज। कुछ ऐसा पिला जिसका कभी ना उतरे नशा। महाराज मर रहे, उनके सर पे बाल हैं।